हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट फ्री एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है फोर्थ टू ट्वेल्थ क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सो so स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे एनसीआर टी कौन से चैप्टर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के ठीक है थीके? जो हमारा थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा उसके हम एनसीआर टी कंप्लीट करेंगे ओके स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो हमारा पार्ट वन रहेगा एनसीआर टी का ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता आप लोग बोर हो जाते हैं इसलिए इसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है तो ये इसका रहेगा पार्ट वन ओके बहुत छोटू सा पार्ट रहेगा ये तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसमें ओके okay? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है वो विच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ट्रू ओके क्या बताना है हमें कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव ट्रू है ओके okay? मतलब सही है ठीक क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू ओके नाउ मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स मिड पॉइंट मिड वैल्यू राइट ये हमने पढ़े थे पढ़े थे ना बिल्कुल पढ़े थे याद होने चाहिए आप लोगों को तो मिड पॉइंट मिड वैल्यू ये क्या है ये हमें बताते हैं भाई कि एक क्लास की जो लिमिट है उसका मिडिल पार्ट क्या होगा राइट जैसे कि अगर ये क्लास है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा ओके okay? ये चीज हमें ये बताते हैं हमारे मिड पॉइंट्स ओके मिड पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स मिड पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू है ना क्या होगा ये ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू ओके जो आंसर आएगा वो क्या होगा वो होगा हमारा मिड पॉइंट इस पर्टिकुलर हमारी क्लास का ओके okay. मतलब मिड पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू ठीक है 2. तो अब हमसे पूछा गया है कि भाई हमें चार जो है अल्टरनेटिव दे दिए ठीक है और इनमें से बताओ कि कौन सा सही है ओके okay. क्वेश्चन क्या है कि मिड पॉइंट

ठीक है ये पर्टिकुलर एक हमें दिया हुआ है वेरिएबल ओके okay, या कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं और इसका अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो मैं इसको कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स दो नंबर ठीक है थीके? दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कितना हुआ थर्टी ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये दोनों का सम क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है ऑब्जर्वेशन क्या है एक हुआ टेन एक हुआ ट्वेंटी ओके दो ऑब्जर्वेशन है तो ये क्या हुआ ये हुआ टू ठीक है तो ये क्या आया इसका एवरेज क्या निकला 15 इसका एवरेज निकला ठीक तो है अभी ये दो ऑब्जर्वेशन है दोनों को ऐड कर दो ओके यही करते हैं ना हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ठीक है तो दोनों को ऐड कर दो. दोनों को एड करने पर क्या आया दोनों को ऐड करने पर आया हमारा थर्टी ठीक है और डिवाइड किसके साथ में करना है हमें टू के साथ में डिवाइड करना है ओके okay? सो so, ये टू से डिवाइड किया तो ये क्या वैल्यू आई हमारी फिफ्टीन ठीक है तो हमारा जो मिड पॉइंट है उसे हम बोल सकते हैं कि वो एवरेज है हमारी क्लास अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का बिल्कुल बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ये जो पर्टिकुलर हमारा ए वाला अल्टरनेटिव है वो सही है ओके हम अभी नीचे गए ही नहीं कि भाई नीचे वाले क्या लिखे हैं लेकिन हमें पता चल गया कि जो ए वाला है वो तो सही ही है ओके एक बार चेक करने के लिए कि कुछ कंफ्यूजन के लिए अगर किसी हमारे जो एग्जामिनर है ओके जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है उन्हें अगर हमें कंफ्यूज करना होगा तो वो कुछ और भी ट्रिक से कुछ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी सिमिलर काइंड के लिख के दे सकते हैं हमें ओके तो क्या कि आप हमने ऐसे तो हमें पता है कि ए वाला सही है ओके okay? अब हम बी और सी को भी चेक कर लेते हैं ठीक है तो बी क्या है स्टूडेंट्स अपर क्लास लिमिट एंड दी लोअर क्लास लिमिट क्या बोल रहा है ये? कि भाई product है अपर और लोअर क्लास का मतलब ये जो 10 और ट्वेंटी थे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा क्या वो होता है हमारा मिड पॉइंट मतलब इनके हिसाब से टू हंड्रेड हमारा मिड पॉइंट है ठीक है ये अगर रियालिटी में देखे तो सही हो ही नहीं सकता भाई मिड पॉइंट कैसे हो गया ट्वेंटी टेन से ट्वेंटी के बीच के वेरिएबल आ रहे हैं और आप मिड पॉइंट टू हंड्रेड को बता रहे हो ये चीज तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है राइट right? वो तो हमारी जो इंटरवल है उसके बाहर की चीज हो गई और बाहर भी थोड़ी बहुत नहीं बहुत बाहर कहाँ ट्वेंटी और कहाँ टू हंड्रेड राइट तो ये चीज सही नहीं हो सकती ओके okay? देन जो हमारा थर्ड है जो कि सी है द रेसो ऑफ दी अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट क्या बोल रहा है कि भाई जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है उसका रेसो मतलब क्या ये अपर क्लास लिमिट हुई ये लोअर क्लास लिमिट हुई इनकी क्या रेसो दूसरे टू हमारा मिड पॉइंट होगा ओके okay? इनके हिसाब से अगर सी वाला ऑप्शन सही हो तो टू इनका क्या होगा मिड पॉइंट होगा राइट right? तो टू तो इसमें कहीं पे इंक्लूडेड ही नहीं है, है ना टू यहां पर इंक्लूडेड ही नहीं भाई टेन से स्टार्ट हो रहा है तो टू कहां से आएगा टू तो बहुत पीछे रह गया राइट टेंथ से स्टार्ट हो रहा है टू तो बहुत पीछे रह गया तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है ओके तो ये वाला तो गलत हो ही गया ये वाला भी गलत हो गया ठीक है अब जो सी वाला है नन ऑफ दी अब नन ऑफ द अबव भी गलत होगा ना स्टूडेंट बिकॉज हमने क्या देखा कि इसका जो ए वाला है वो सही है राइट तो नन ऑफ दबव भी नहीं होने वाला है ओके तो हमारा आंसर क्या आएगा ए वन ठीक है जो ए है वो होगा हमारा आंसर कि भाई क्लास की मिड पॉइंट किसके इक्वल होती है दी अपर क्लास लिमिट एंड दी लोअर क्लास लिमिट ठीक है आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर होगा बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ठीक है अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ओके okay? वही अल्टरनेटिव वाले वो क्या है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज नोन एज दो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स पे क्या आया दो वेरिएबल्स की को हम क्या कहते है? याद है ना आप लोगों को जस्ट इसके बोलते हैं उसे हम बायरियंट राइट बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना दो वेरिएबल्स है तो बाय आ गया ठीक है तो इसका आंसर वो होगा जिसमें कि बाय वेरियंट हो ओके okay? तो जो ए वाला है वो क्या है यूनिवेरियंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवेरियंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की यहां पर सिर्फ वन वेरिएबल हो है ना वेरिएट का मतलब क्या होता है वन वेरिएबल लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है टू वेरिएबल ठीक है तो ए वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता ठीक है फिर जो बी वाला है वो क्या है बाय वेरियंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय बायोरियंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हमें पता है कि जो आंसर है वो सही है क्योंकि टू वेरिएबल्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन ही कहते हैं, ठीक है तो ये तो ये सही होगा ही, ठीक है? फिर कौन सा है हमारा मल्टीवेरियट डिस्ट्रीब्यूशन ओके मल्टीवेरियंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, कैसे हैं टू और मोर वेरिएबल्स ठीक है तो ये ये जो पर्टिकुलर आंसर है वो सही नहीं हो सकता बिकॉज जो क्वेश्चन है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स का बोल रहे हैं ठीक है थीके? और ये जो आंसर है इसमें टू से ज्यादा वेरिएबल्स है ठीक है तो मल्टी भी सही नहीं हो सकता ओके एंड जो फोर्थ वाला है वो क्या है नन ऑफ दबे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज ये वाला जो आंसर है वो सही है हमारा तो नन ऑफ दी अब भी सही नहीं होगा ओके okay? तो हमारी कौन सी वाली अल्टरनेटिव ट्रू है बी वाली कि जब टू वेरिएबल्स की बात हो तो उसका मतलब होता है कि वो बाय वेरिय डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ठीक है फिर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इस क्लासिफाइड डेटा इन क्लासिफाइड डेटा आर बेस्ड ऑन जो हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है ठीक है हमारे हमारे क्लासिफाइड डेटा में वो किस पर बेस्ड है ठीक है तो अब हमें वो देखना है ठीक है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होंगे हमारे कुछ जो हम सेंट्रल मेजर्स ऑफ टेंडेंसी पढ़ेंगे ओके मीन मीडियम मोड देन कोरिलेशन डिस्पर्शन डिस्पर्सन ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में तो ये सारे किस पर डिपेंडेंट होते हैं ओके okay? हमें वो बताना है ठीक है सो द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन Actual values of the observations पर dependent नहीं होते। जब आप Central measures of tendency पढ़ोगे, तो उसमें actual values को नहीं हम इंक्लूड करते पे नहीं डिपेंडेंट होते ठीक है? फिर क्या अपर क्लास लिमिट पर डिपेंडेंट होते हैं क्या ये अपर क्लास लिमिट तो ये तो यार बहुत illogical सी बात कर रहे हैं कि अपर क्लास लिमिट सिर्फ अपर क्लास लिमिट से हमें क्या करना जो हमारा डेटा है वो मेनली किस पे डिपेंडेंट होगा भाई हम फ्रीक्वेंसी तो देखेंगे ना कहीं ना कहीं पे राइट और फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हम क्लासेस को देख लेंगे लेकिन जब क्लासेस को हम देखेंगे तो हम सिर्फ अपर क्लास लिमिट को क्यों देखेंगे हमें तो लोअर भी चाहिए ना तो हम सिर्फ अपर क्यों देखेंगे तो ये वाला पर्टिकुलर भी सही नहीं होगा ओके देन दी लोअर लोअर क्लास क्लास लिमिट लिमिट यार हम हम सिर्फ को क्यों देखेंगे अगर हम देखेंगे अगर तो दोनों क्लासेस को देखेंगे अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो वो सिर्फ अपर क्लास या लोअर क्लास पे थोड़ी डिपेंडेंट है राइट वो तो दोनों को मिलाकर उस चीज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, है ना तो ये क्या लोअर क्लास लिमिट भी नहीं होने वाला है ठीक है फिर दी क्लास मिड पॉइंट क्या क्लास के मिड मिड पॉइंट्स पर डिपेंडेंट होता है हमारा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन तो येस जो क्लास के मिड पॉइंट्स होते हैं ओके तो yes, जो मिड वैल्यू okay, हमने कैलकुलेट करना सीखी है ना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू उस पर डिपेंडेंट होते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस ओके जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं वो वही है ठीक है जो एवरेजिस पर बेस्ड है ओके तो हमारे जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होते हैं स्टूडेंट वो किस पर बेस्ड होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे एवरेज पर ठीक है रेंज इज द अब रेंज क्या है ओके okay? रेंज क्या है आप लोगों को याद होना चाहिए रेंज क्या होती है ओके okay? हमने सारी चीजें पढ़ी है स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी न्यू नहीं है ओके okay? वो सारी चीजें ये क्या रिवीजन करवा रही है हमारे एनसीआरटी सोल्यूशन ठीक है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि रेंज क्या होती है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि इसमें से सही क्या है सबसे पहले हम खुद रिमाइंड कर लेंगे कि रेंज क्या है तो इसमें सही हमें नहीं देखना पड़ेगा ओके okay? रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स जो आपकी लास्ट लिमिट है लास्ट क्लास इंटरवल है ओके okay? उसकी जो अपर लिमिट है ठीक और जो आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है उन दोनों का डिफरेंस हमारी रेंज होगी ओके okay? या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है रेंज होता है ठीक है तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारे जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग कोई अल्टरनेटिव है इसमें ठीक है तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ओके क्या रेंज यही होती है स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स यही होती है रेंज यही तो बताती है हमें कि भाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना डिफरेंस है राइट तो ये जो ए वाला है ये हमारा क्या है ये हमारा सही ऑप्शन है ठीक है लेकिन फिर भी हम जो दूसरा ऑप्शन है वो भी हम देख लें ठीक है तो जो बी है वो क्या बता रहा है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो बी है वो क्या है स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस तो अगर इस पर्टिकुलर वे से हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा जो आंसर है ना वो निगेटिव में आ जाएगा है ना तो ये जो बी वाला है वो सही नहीं होने वाला है ठीक फिर जो सी है वो क्या है एवरेज ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन तो हम रेंज में एवरेज तो देखते नहीं है राइट रेंज तो हमें डिफरेंस बताती है तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा और जो डी है वो क्या है रेशो ऑफ लार्जेस्ट टू दस्ट ऑब्जर्वेशन ओके जो डी है वो बोल रहा है कि भाई आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का रेशो तो ये चीज भी सही नहीं है तो सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए है ओके okay, वो सही है रेंज रेंज क्या होती है? Range होती है है डिफरेंस बिटवीन द द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रेंज ओके कि भाई आपकी अगर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है एट्टी और स्मॉलेस्ट है टेन तो आपकी रेंज कितनी होने वाली है एट्टी माइनस टेन दैट इज सेवेंटी ठीक है हमारा क्वेश्चन नंबर वन जो था वो हो गया कंप्लीट उसमें हमें अल्टरनेटिव चूज करना था एक ट्रू अल्टरनेटिव जो भी होने वाला है ठीक है अब जो क्वेश्चन नंबर टू है वो क्या है कैन देयर बी एनी एडवांटेज इन क्लासिफाइंग थिंग्स एक्सप्लेन विद द हेल्प एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ ठीक है क्या बोला है भाई की क्लासिफिकेशन के कोई एडवांटेज होता है क्या तो क्या स्टूडेंट्स एडवांटेज होता है क्या क्लासिफिकेशन का नहीं होता ना ऐसे ही पढ़ लिया हमने क्लासिफिकेशन पता नहीं क्यों पढ़ा दिया ऐसा नहीं है क्लासिफिकेशन का एडवांटेज होता है राइट क्लासिफिकेशन का एडवांटेज तभी तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट है

अब अगर उसे हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो वो बहुत टाइम और बहुत एनर्जी कंज्यूम करने वाला है ओके okay? एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ का ग्रोसरीज आई ठीक है ग्रोसरीज आई आपके घर पे अगर मम्मी उसे पूरी अच्छे से क्लासिफाई नहीं करेंगी ठीक है तो जब भी उन्हें किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत होगी तो उस पर्टिकुलर उस चीज को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा राइट टाइम लगेगा एनर्जी लगेगी मम्मी परेशान हो जाएगी हो सकता है सामान मिले भी ना ओके तो अगर ग्रोसरीज को आपने अच्छे से क्लासिफाई नहीं किया और एक एक पर्टिकुलर उसकी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं रखा तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है ले ठीक है लेकिन अगर आप अगर आपकी मम्मी ने या आपने वो जो सामान थे उन सबको प्रॉपरली क्लासिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना के सब कुछ रखे हैं अच्छे से वेल डिफाइंड वे में सिस्टमैटिक मैनर में तो आपका टाइम भी बचेगा आपकी एनर्जी भी बचेगी है ना फिर क्विक इंफॉर्मेशन जल्दी से इंफॉर्मेशन मिलती है क्लासिफाइड डेटा में जल्दी से इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल मिलेगी एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं ठीक है आप क्या मानोगे स्टूडेंट्स की जो ग्रोसरीज हैं, वो आपकी रॉ डेटा है ठीक है और उससे इंफॉर्मेशन मतलब क्या उससे इंफॉर्मेशन की जब जो जरूरत थी वो हमें मिल गया ठीक है तो मान लीजिए कि आपको कोई सॉस की नीड थी ओके मम्मी को कोई सॉस की नीड थी जब डेटा क्लासिफाइड था तो मम्मी को बहुत जल्दी वो सॉस मिल गया ओके उन्हें पता था कि वो वहां से उठाना है बस उन्हें ठीक अगर वो क्लासिफाइड नहीं होता तो पूरा वो जो रॉ डेटा था या वो जो सामान था उसमें ढूंढना पड़ता हो सकता है मिलता भी नहीं क्योंकि जब बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है ठीक है तो हो सकता है वो मिलता भी नहीं तो ये चीज को आपको किससे लिंक करना है क्विक इंफॉर्मेशन कि जो क्लासिफाइड डेटा है वो हमें क्विकली इंफॉर्मेशन देता है ठीक है देन ईजी क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड डेटा को और अगर हम देखें तो वो जो क्लासिफिकेशन हो रखा है वो कंपैरिजन में हमें हेल्प करेगा ओके okay, वो और ज्यादा फर्दर स्टडी में हेल्प करेगा तो ये कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं किसके हमारे क्लासिफिकेशन के ठीक है अब अगर एक एक और एग्जाम्पल लें जो हमने लिया उसके अलावा उसके अपार्ट कोई उसके अपार्ट कोई एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम ठीक है वो क्या है पोस्ट ऑफिस ऑन दुलर बेसिस सॉर्ट्स लेटर एंड देन क्लासिफाइज अकॉर्डिंग टू वेरियस एट्रीब्यूट एक पोस्ट ऑफिस में डेली बेसिस पर लेटर्स को शॉर्ट किया जाता है और फिर उन्हें क्लासीफाई किया जाता है वेरियस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ठीक है वो जो एट्रीब्यूट है वो क्या हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं पहले क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेट फिर हमने क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू सिटीज और स्ट्रीट ठीक है तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई जो पोस्ट लेटर्स आए थे जो पोस्ट ऑफिस में लेटर्स थे वो पहले जो एक पोस्टमैन था या वहां पे जो भी वर्क कर थे उन्होंने क्या किया पहले उन्होंने उसे क्लासिफाई कर दिया सिटी के बेसिस पर ओके okay, स्टेट के बेसिस पर फिर सिटी के बेसिस पर फिर स्ट्रीट के बेसिस पर तो बहुत ईजीली क्लासीफाई कर दिया उन्हें तो ये बहुत ईजी हुआ कि भाई कौन से लेटर को कहाँ पर हमें पोस्ट करना है या कहां पर हमें सेंड करना है वो हम इजीली बता सकते हैं ठीक है तो ये क्या है स्टूडेंट्स ये हमारे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारा क्लासिफिकेशन डेली लाइफ में या फिर जो जो रिसर्चर्स हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको भी हेल्प करता है ये ठीक है मतलब क्लासिफिकेशन तो आप हर एक जगह पर देख सकते हो कोई बिजनेस है उसमें भी आपको क्लासिफिकेशन दिखेगा ठीक है हर एक प्लेस पर क्लासिफिकेशन होता है ओके एंड उसके वेरियस वेरियस एडवांटेजेस होते हैं वो कुछ हमारे लिस्टेड एडवांटेजेस थे ठीक है नाउ अगर हम हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री देखें तो वो क्या है व्हाट इज अ वेरिएबल डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डिस्क्रीट एंड अ कंटीन्यूअस वेरिएबल ठीक है क्या होता है एक वेरिएबल ओके okay, और डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं ठीक है सो वेरिएबल so, क्या है स्टूडेंट्स अ मेजरेबल कैरेक्टर्सिस्टिक्स हुज वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल ठीक है वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वैल्यू चेंज होती है ओवर टाइम ठीक है वेरिएबल वेरिएबल सेम नहीं रहता रहता variable की वैल्यू चेंज होती है ठीक है इट रिफर्स टू दैट क्वांटिटी विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड विच कैन बी मेजर्ड बाय द सेम यूनिट ओके वेरिएबल क्या है भाई कि वेरिएबल चेंज होता रहेगा क्वांटिटी के साथ में या हर एक यूनिट के साथ में जैसे कि हाइट है तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की ओके okay? अलग अलग हाइट होगी हर एक डिफरेंट डिफरेंट आइटम की अलग हाइट होगी जो मेरी हाइट है वो आपकी नहीं होगी या जो आपकी है वो मेरी नहीं होगी ठीक है तो ये हाइट में डिफरेंस है ओके okay? मेरा वेट और आपका वेट सेम नहीं होगा ठीक है तो हर वेट हमारा जो वेरिएबल है वो तो एक ही है लेकिन वो चेंज हो रहा है राइट वो सेम नहीं है ना वो चेंज हो रहा है तो वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल वो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ठीक है एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है बिल्कुल है उसे आप चेंज कर सकते हो ठीक है नाउ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स ओके डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो वेरिएबल्स जिन्हें हम काउंट करते हैं ओके okay, उन्हें हम क्या बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स ठीक है और कंटिन्यूस से होते हैं वो वेरिएबल जिन्हें हम मेजर करते हैं हैं ठीक वो वो क्या होते है? वो होते हैं हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स ठीक है डिस्क्रीट वेरिएबल स्टूडेंट्स हमें कंप्लीट नंबर में मिलते हैं राइट वहां पर हमें फ्रैक्शन डेसिमल्स नहीं मिलते डिस्क्रीट वेरिएबल में ओके लेकिन जो हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं ओके okay, कंटिन्यूस वेरिएबल्स में हमें फ्रैक्शन डेसिमल्स सब मिलेंगे ओके कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं और डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट करते हैं ठीक है ये क्या है ये है मेन डिफरेंस दोनों के बीच में कि डिस्क्रीट वेरिएबल भाई काउंट होने वाला है ओके और जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो मेजर होने वाला है ओके मान लीजिए ये पेन है ओके ऐसे मैं टेन पेन और रख दू ठीक है तो अब ये टेन पेन को आपको मेजर नहीं करना है मैं पूछूंगी कितने पेन हो तो आप काउंट कर कर बताओगे ना मैंने पूछा कि भाई कितने पेन है टेबल पर ठीक है तो आप काउंट कर कर बताओगे कि मैम टेन पेन है राइट तो ये क्या हुआ ये हुआ एक डिस्क्रीट वेरिएबल ओके लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पेन की वृत्त कितनी है ठीक है इस पेन की वृत्त कितनी है तो ये चीज आप मुझे मेजर करके बताने वाले राइट अब आप, आप रेत को तो काउंट नहीं कर सकते मैं तो नहीं कर सकती यार ये काउंट आप कर सकते हो तो मुझे पता नहीं बाकी मुझसे तो नहीं होगा काउंट मैं तो इसको मेजर ही करूंगी राइट तो जब मैं इसको मेजर करूंगी तो वो क्या बता रहा है वो मुझे बता रहा है कि भाई अब ये कंटिन्यूस वेरिएबल है आपको इसे मेजर करना पड़ा मतलब ये क्या है ये है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल ठीक है कंटिन्यूस वेरिएबल को हम मेजर करते हैं और डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट करते हैं ठीक है आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके okay? नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है है वो क्या एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स हमे? हमें हमें एक्सप्लेन करना है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में यूज होता है ठीक है तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव इसका ये किस पर्टिकुलर सीरीज का टाइप है ये है हमारे कंटिन्यूस सीरीज का टाइप राइट right? एक्सक्लूसिव में हम कुछ एक्सक्लूड करते हैं ओके एंड इंक्लूसिव में सब कुछ इंक्लूड होता है ओके okay? एक्सक्लूड करते हैं इन दी सेंस एक क्लास में कुछ हम एक्सक्लूड करते हैं क्या करते हैं एक्सक्लूड स्टूडेंट्स यस अपर लिमिट एक्सक्लूड करते हैं ओके okay, हर एक क्लास में जो अपर लिमिट होते हैं वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं ओके okay, वो जब लोअर लिमिट बनती है तो हम उसे इंक्लूड करते हैं ओके okay, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता इंक्लूसिव सीरीज में हम क्या करते हैं इंक्लूसिव सीरीज में सारे आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं ठीक है तो अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो हम कुछ इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूड कर, कर रही है कुछ उसके करस्पॉन्डिंग आइटम्स जो की अपर लिमिट के ठीक है मतलब अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है जैसे कि टेन टू ट्वेंटी है तो इस पर्टिकुलर क्लास में

थर्टी टू फोर्टी है ओके okay? तो ये जो एग्जाम्पल ये किसका है, ये है एक्सक्लूसिव सीरीज का ये यहां पर अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की क्या बन गई लोअर लिमिट बन गई ठीक है ये जो थर्टी है ये अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की क्या बन गई ये लोअर लिमिट बन गई ठीक है तो यहां पर हम क्या देखते हैं भाई कि जो लास्ट वाली हमारी जो अपर लिमिट होती है उसे एक्सक्लूड किया जाता है और वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है ठीक in okay? है इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज बिकॉज़ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास ओके ये एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे बिकॉज यहाँ पर जो अपर लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम इंक्लूड नहीं करते उस पर्टिकुलर क्लास में ठीक है मतलब कि हम जब अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं ओके okay? कुछ एक्सक्लूड हो रहा है इसका मतलब कि एक्सक्लू वो हो गई क्या हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज ठीक है एक्सक्लूसिव का मतलब वही हुआ कि भाई आपको कुछ ना कुछ एक्सक्लूड करना है राइट तो ये क्या बन गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज यहाँ पर हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं ठीक है थीके? देन हम देखें कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है तो इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है ऐसी सीरीज जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है ठीक है सो एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट ऐसी सीरीज जहां पर सारे आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं उसके अपर लिमिट तक ओके जैसे कि टेन टू फिफ्टीन है तो ये फिफ्टीन को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें ठीक है इन सच सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ड नॉट रिपीट इट सेल्फ एज दी लोअर लिमिट ऑफ द्लास इंटरवल ओके ऐसी में हम देखते हैं कि जो अपर लिमिट रहती है एक क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनती ओके okay? इसकी अब जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो कुछ ये बन गई ओके okay? तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ये अपर लिमिट थी ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं बनी ठीक है यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है जो कि हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में देखने को मिलता है ठीक है There is a gap between the upper limit of a class interval and lower limit of the next class interval. kya hota hai students yahan pe ek gap hota hai theek hai upper limit एक class interval की और lower limit एक दूसरे class interval की इनके बीच में क्या होगा gap होगा right 15 से 16 गए one unit का gap है okay तो inclusive series में हमें ये gap भी देखने को मिलता है ठीक है while in the exclusive series there is an overlapping of the class limit there is no such overlapping in the inclusive series ठीक है exclusive series में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी class limits हैं वो एक दूसरे को overlap करती है right वहाँ पे हमने यही देखा 10 to 20 and 20 to 30 तो ये overlap की ये दोनों जो हमारी limits हैं ये दोनों जो हमारी uh, upper limit और lower limit हैं इन्होंने एक दूसरे को overlapping किया लेकिन ये जो इंक्लूसिव सीरीज है यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है ठीक है तो ये क्या है स्टूडेंट्स ये है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए ये दोनों सीरीज में डिफरेंस ठीक है वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि दोनों का मतलब क्या होता है ये तो आप समझ लो कि एक रिवीजन चल रहा है हमारा राइट कि भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हमारे जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे और साथ में हमारा रिवीजन भी हो जाएगा ओके सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले अब हम करेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट टू ओके

डेटा इन टेबल थ्री पॉइंट टू ये टेबल थ्री पॉइंट टू क्या है स्टूडेंटल आपकी एनसीआर टी बुक में आप देखोगे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा खोलोगे तो उसमें जो टेबल थ्री पॉइंट टू है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ठीक है अगर आप बुक में देखोगे स्टूडेंट्स तो ये पर्टिकुलर वो टेबल है ओके ये आपकी एनसीआरटी बुक का ही टेबल है ओके तो हमें बोला गया है कि यूज द डेटा इन टेबल थ्री पॉइंट टू ट रिलेट्स टू मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ठीक है ये जो हमारा टेबल है ये किसके किस से रिलेटेड है मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ओके ऑन फूड ऑफ फिफ्टी हाउस होल्ड एंड ओके ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया है, ये मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमें टेबल थ्री पॉइंट टू का यूज करना है ठीक है ये जो टेबल थ्री पॉइंट टू है वो क्या बता रहा है हमें हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बता रहा है फिफ्टी हाउस होल्ड का ठीक है अब कुछ गिविन क्वेश्चन है हमारे पास में वो हमें सोल्व करना है ओके तो इसमें से हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला ऑप्टेन द रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड ओके हमें क्या ऑप्टेन करना है रेंज okay. होती है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन राइट ये चीज हमने पढ़ी है ना जब हमने रेंज पढ़ा था कि भाई रेंज क्या है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो भी आपके पूरी डेटा का और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है पूरे डेटा का दोनों का डिफरेंस क्या होने वाला है रेंज होने वाली है ठीक है तो इस पर्टिकुलर डेटा में से हमें क्या निकालना है इस पर्टिकुलर डेटा में से हमें निकालना है रेंज ठीक है तो चलिए हम चेक करते हैं वैसे तो बहुत बड़ा टेबल है मतलब थोड़ा ज्यादा हमें अच्छे से देखना पड़ेगा तब जाके हम सही आंसर पर आएंगे अदरवाइज हमने अगर कोई भी वैल्यू को मिस आउट किया तो हो सकता है हम कुछ गलत आंसर पर आ जाए ठीक है इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से देखना है ठीक अब स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ओके तो चलिए हम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो ये फाइव थाउजेंड एंड नाइनटीन ये सबसे लार्जेस्ट है ठीक है तो अब जो बाकी के होंगे वो अगर कोई फाइव थाउजेंड से बड़ा नंबर होगा तो ही मैं उस पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड करूंगी ठीक है फर्दर चेकिंग के लिए अगर फाइव थाउजेंड से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे कि भाई यही हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है ठीक है तो चलिए हम सेकेंड वाली कॉलम में देखते हैं तो इसमें तो सब मुझे वन थाउजेंड से रिलेटेड दिख रहे हैं ठीक है थीके? फिर उसके नेक्स्ट में ये थ्री थाउजेंड है बाकी सारे वन थाउजेंड है ओके इसमें वन थाउजेंड टू वन टू थ्री ठीक है इतने ही है 1, 2, 1, 2, 2, मतलब फाइव से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है मतलब कि फाइव थाउजेंड एंड नाइनटी क्या होगा हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा ठीक है अब देखते हैं हम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है अब स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1000 से रिलेटेड बहुत सारे नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं राइट तो चलिए हम इस वाली कॉलम में देखते हैं सबसे पहले कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है ओके तो अगर मैं सब 1000 वालों को देखू ये वाले ठीक तो सबसे छोटा कौन सा दिखेगा ये वाला वन थाउजेंड एंड सेवन राइट ये जो वन थाउजेंड एंड सेवन है ये सबसे छोटा नंबर है इस पर्टिकुलर कॉलम का ठीक है तो अब जो मैं बाकी के देखने वाली हूं उसमें मैं कि भाई, है, कि कुछ -कुछ बड़ा है कौन सा छोटा है ठीक है लेकिन अगर कोई 1100 है 1200 है तो इन्हें मैं पहले ही एक्सक्लूड कर दूंगी ठीक है तो अब जब नेक्स्ट कॉलम पर मैं गई तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एक और वन से रिलेटेड है लेकिन वो क्या है ओके okay? ये क्या है है ठीक तो छोटा कौन सा हुआ ये वाला हो। तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे फिर अगर मैं यहां पर, तो okay? पर भी वन थाउजेंड कुछ नहीं और यहाँ पर भी नहीं ओके तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ हमारा वन थाउजेंड एंड सेवन ठीक है ये हुआ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा हुआ फाइव थाउजेंड एंड नाइनटी ओके लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गया स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मिल गया ठीक तो अब रेंज को क्या करना है हमें रेंज में हमें दोनों को दोनों का डिफरेंस देखना है ठीक है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करना है हमें ठीक है तो हम जब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा वो होगा हमारा रेंज ठीक है सो so रेंज क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली थी फाइव थाउजेंड एंड नाइन्टी एंड वन थाउजेंड एंड सेवन ठीक है दोनों का डिफरेंस निकाला क्या है ये फोर थाउजेंड एंड एटी थ्री ठीक है तो हमारी रेंज क्या हुई स्टूडेंट हमारी रेंज हुई फोर थाउजेंड एन एटी थ्री ओके इजी ही था रेंज का मतलब हमें पता है कि भाई रेंज का मतलब क्या होता है उसके बाद में हमें जो दो वेरिएबल्स चाहिए थे जो दो वैल्यूज चाहिए थी वो हमने इस इस पर्टिकुलर टेबल में से निकाल ली ओके okay? एंड फिर दोनों का डिफरेंस क्या हो गया हमारी रेंज हो गई ठीक देन जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है डिवाइड द रेंज इन टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड ऑप्टेन अवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ठीक है अब हमें क्या करना है स्टूडेंट ये जो हमारा पूरा टेबल है इसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है ओके इसे हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एक्सपेंडिचर का ठीक तो अब इस क्या हम वेल्यूज रखेंगे इस पर्टिकुलर में वो डिपेंड करता है तो स्टूडेंट्स अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूं तो क्या था वो वन थाउजेंड एंड सेवन ओके इसका मतलब मेरी जो क्लास चालू होने वाली जो फर्स्ट क्लास होगी वो हम थाउजेंड से स्टार्ट करें ठीक है और जो अगर मैं इसका सबसे बड़ा नंबर देखूं तो वो क्या है फाइव थाउजेंड एंड राइट तो मतलब फाइव थाउजेंड से बड़ा नंबर चाहिए या तो मैं फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव तक रखू या फिर मैं सिक्स थाउजेंड तक रखू ठीक है ये दोनों में से कुछ भी चलेगा अगर मैं फाइव हंड्रेड का डिफरेंस रख रही हूं तो मैं ये रख लूंगी अगर मैं थाउजेंड का डिफरेंस रख रही हूँ तो रख लूंगी ठीक है अब स्टूडेंट्स पर मैं 500 या के डिफरेंस की बात क्यों कर रही क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर बना दू हंड्रेड हंड्रेड का डिफरेंस चला रहे तो 100 -100 -100 -100 हम ठीक है तो हंड्रेड 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 करके हम फाइव थाउजेंड तक कब पहुंचेंगे राइट बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा ये डेटा है ना तो इसलिए यहां पर अप्रोप्रिएट क्या होगा कि भाई फाइव हंड्रेड का रख लीजिए ठीक है यहाँ पर फाइव टेन का डिफरेंस तो रख नहीं सकते हम फाइव टेन वैल्यूज की तो हमारी क्लास इंटरवल नहीं हो सकती ना तो हमने क्या किया हमने फाइव हंड्रेड की रखी ठीक है तो ये था फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद में आया फिफ्टीन हंड्रेड ओके तो जब ये चलेगा स्टूडेंट्स तो हम लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को क्या बना सकते हैं फिफ्टी फाइव हंड्रेड बिकॉज जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है हमारा फाइव थाउजेंड एंड नाइन्टी ओके वो हमारे फिफ्टी फाइव हंड्रेड के अंदर आ जाएगा ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे थाउजेंड से जाएंगे कब तक फिफ्टी फाइव हंड्रेड तक ओके okay? तो इस पर्टिकुलर वे में हम हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ड्रॉ करेंगे ठीक सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर फिफ्टी विद द वैल्यू एज वन थाउजेंड सेवन एंडस्ट एज फाइव थाउजेंड एंड नाइन है टेकिंगे फॉर्म करेंगे लेकर वन थाउजेंड लोअर लिमिट से लेकर फिफ्टी फाइव हंड्रेड अपर लिमिट तक कितनी क्लासेस फॉर्म होने वाली है नाइन क्लासेस फॉर्म होने वाली है ठीक है तो जब हम इस पर्टिकुलर वे से हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा होने वाला है ओके हमने क्या क्या हमने ये हमारी क्या हुई क्लास इंटरवल्स हुई ये यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं फाइव हंड्रेड हमारी क्लास इंटरवल है ठीक है फाइव फाइव हंड्रेड का डिफरेंस हम देख सकते हैं थ्रू आउट ठीक अब वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड वन थाउजेंड से लेके फिफ्टीन हंड्रेड के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो बताएगा कि भाई उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली ओके सो वन थाउजेंड से लेके कब तक स्टूडेंट्स फिफ्टीन हंड्रेड तक तो चलिए हम देखते हैं फिफ्टीन कि हंड्रेड okay? तो हम हमारी लास्ट वैल्यू नाइनटीन हंड्रेड फोर नहीं आ सकता बिकॉज ये हमारा फिफ्टीन हंड्रेड से बड़ा है ठीक है तो क्या आएगा ट्वेल्व हंड्रेड एंड इलेवन ठीक है फिर ट्वेल्व हंड्रेड एंड एटीन ओके 1007 ठीक है 1397 ठीक देन 1293 ये 1559 बड़ा हो गया ठीक है 1600 भी बड़ा हो गया फिर ये 1085 ठीक है फिर ये 13 से है ये भी 13 से ये 18 बड़ा हो गया ये 11 से स्टार्ट हो रहा है 15 भी बड़ा हो गया 18 भी बड़ा हो गया फिर ये 13 से 13 वाला तो छोटा होगा ओके देन ये सेवनटीन एटीन फिर आया क्या इलेवन ओके फिर इलेवन फिर ट्वेल्व फिर ये 19 बड़ा हुआ 13, ठीक इलेवन फिर, फिर ऐसे कर करके हम देख लेंगे स्टूडेंट्स पूरे थ्रू आउट कि भाई हमारे 1500 से छोटे नंबर्स कितने हैं ओके जितने भी 1500 से छोटे नंबर्स हैं वो सारे हम काउंट करने वाले हैं ठीक है तो ये पर्टिकुलर इतने कुछ नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे थाउजेंड से फिफ्टीन हंड्रेड के बीच में लाए करते हैं ठीक है ये सब क्या हो जाएगी हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी okay? काउंट करोगे तो वो कितना हुआ? वो होगा आपका ट्वेंटी so, क्या है फिफ्टीन हंड्रेड से टू थाउजेंड राइट फिफ्टीन हंड्रेड से टू थाउजेंड तो चलिए हम देखते हैं कि भाई फिफ्टीन हंड्रेड से बड़ा और टू थाउजेंड से छोटा नंबर कौन सा है ओके okay? स्टूडेंट्स जब आप लोग ऐसे कुछ टेबल ड्रॉ करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी ये कट किए थे तो आप उसे कट रहने दे सकते हैं ठीक है आपको जरूरी नहीं कि उसे आप रब करो मैं क्यों करती हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन हो कि, कि हमें काउंट करना है तो अच्छा ठीक है ये ये काउंट करना है आप क्या कर सकते हो आप कर सकते हो कि भाई इसे कट किया काउंट किया वन देन दिस इज टू थ्री फोर फाइव ओके काउंट करते अगर आप चलोगे तो आपको जो कट हो चुके हैं उनको कट रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन काउंटिंग साथ में रखनी है अगर काउंटिंग साथ में नहीं रखी तो सब कुछ बहुत मैशअप हो जाएगा वहां पे कि भाई जो पहले के कट थे अभी के जो कट किए हमने हमें कौन से काउंट करने तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी ठीक है तो काउंट करते चलो और कट करते चलो साथ साथ में कट नहीं रब करने का क्या अच्छा एक फायदा हो सकता है कि अगर चांस कोई भी हमारी जो वैल्यू है वो अगर छूट गई ठीक है तो आप लोगों को वो समझ में आ सकता है क्योंकि उस पर कट नहीं होगा हमारा ओके तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि ये पर्टिकुलर वैल्यू को हमने इंक्लूड नहीं किया है ठीक है तो जो मिस्टेक्स चांसेस वो थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन वो उसी केस में होंगे कि भाई आप जैसे जैसे कट करते जा रहे हो वैसे वैसे काउंट भी करते जा रहे हो ऐसा नहीं कि पहले आपने बोला कि पहले मैं पूरे एक बार कट कर दूं और फिर उसके बाद में काउंट कर लूंगा तो फिर क्या होगा भाई आप गलत कर दोगे ठीक है इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है क्योंकि इसमें क्या हुआ टेबल तो बहुत बड़ा दे दिया हमें है ना जो कलेक्टेड डेटा है वो तो बहुत बड़ा हो गया अब उसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है तो एक 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 वैल्यू को अच्छे से ऑब्जर्व करना जरूरी है ओके तो अगर हम आप हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल देखें कौन सी है वो फिफ्टीन से टू ओके तो चलिए वो देखते हैं कि वो क्या है तो फिफ्टीन से बड़ा होना एंड टू से कम होना ठीक है तो ऐसे वैल्यूज को हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर में इंक्लूड ये एटीन हंड्रेड ट्वेल्व भी छोटा है फिर ये एटीन भी छोटा है सेवनटीन एटीन ओके ये 17, ये ये ठीक है फिर 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 से बस हो गया इतने ही है ओके okay? सो so ये इतने ही है हमारे फिफ्टीन हंड्रेड टू टू थाउजेंड में ओके okay? एंड इस वे से हम पूरा कहाँ तक चलेंगे फिफ्टी फाइव हंड्रेड तक ओके okay? तो आप लोगों को क्लासेस पता है ओके आप लोगों के पास में टेबल है आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते आता है ठीक है इस पर्टिकुलर टेबल से आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीजें आपको पता है मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग की दो तीन समझा दी क्लास इंटरवल्स अब आगे की भी वैसे ही होनी है सेम प्रोसीजर है और मैं आप लोगों पर ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप लोग उसे अच्छे से करोगे ठीक है सिर्फ इसे कॉपी नहीं करोगे आप खुद मेहनत करोगे कि भाई उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ओके okay? तो स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करोगे तो ये पर्टिकुलर हमारी क्लास इंटरवल होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी ये आने वाली है ठीक है अब फ्रीक्वेंसी को मार्क्स में कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है राइट right? ट्वेंटी हमारी फ्रीक्वेंसी है तो हम उसके टेली मार्क्स बना देंगे कैसे बनाएंगे ये सेट क्या बता रहा है ये सेट बता रहा है कि भाई फाइव है ओके okay. पर कितने डेली मार्क्स है? है मतलब ये टेन है? है. So okay. तो और ये क्या है थ्री थर्टीन ठीक है फिर सिक्स तो ये फाइव और ये सिक्स ठीक है देन फाइव के लिए तो ये फाइव ड्रॉ हो गई फोर स्ट्रेट लाइन एंड उसमें क्रॉस करने वाली ठीक है फिर ये टू वन टू वन ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है ओके ये जो पर्टिकुलर क्लास है स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब फोर्टी फाइव हंड्रेड से लेकर फाइव थाउजेंड तक कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि इसके बीच में हो ठीक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई ठीक देन फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड की वन हो गई ठीक है तो ये पर्टिकुलर हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है ओके आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को ये क्लियर होगा अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन का ही अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो उसके क्या आंसर्स होने वाले हम वो देखते हैं ये फिफ्थ क्वेश्चन का ही जो थर्ड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी तक हमने सिर्फ दो क्वेश्चंस करे ओके ये है हमारा थर्ड वन थर्ड वन क्या बोल रहा है हमें फाइंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज लेस देन टू थाउजेंड मोर देन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हमें क्या बताना है भाई, है? हमें बताना कि टू थाउजेंड से कम वाले कितने हैं? हैं? से कम वाले कितने ठीक तो चलो हम देखते हैं कि 2000 से कम वाले कितने हैं। okay. है? तो, कि है? तो अगर यहां पर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या है 2000 ये ये राइट टू थाउजेंड ये रहा हम जब देन देखते हैं तो हम सारी अपर लिमिट्स को इंक्लूड करते हैं okay? so less than 2000, ये है क्या हमारा टू थाउजेंड अब इसके ऊपर जितने भी होंगे ओके okay? ये वाला पर्टिकुलर क्लास इंटरवल और इस क्लास इंटरवल के ऊपर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे लेस देन टू थाउजेंड ठीक है तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि थर्टीन है एंड ट्वेंटी है ओके okay? तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कि लेस देन 2000 कितने हाउस होल्ड है जो कि एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं ठीक तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि हमने कैसे निकाला लेस देन 2000 वाला 20 प्लस थर्टीन दैट इज 33 हमारे 33 नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि जिनका ये एक्सपेंडिचर 2000 से कम है ठीक है फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है मोर देन थ्री थाउजेंड ओके अब मोर देन जब हम देखते हैं तो हम कौन सी लिमिट के थ्रू देखते हैं हमारी लोअर लिमिट के थ्रू राइट सो थ्री थाउजेंड यहाँ पर तो अपर है और यहां पर लोअर है ओके okay? तो हम लोअर लिमिट के थ्रू देखेंगे सो ये थ्री थाउजेंड और इसके नीचे वाले जितने भी हैं वो क्या होंगे वो होंगे हमारे नंबर ऑफ हाउस होल्ड आर स्पेंडिंग मोर देन थ्री थाउजेंड ठीक है जिनका एक्सपेंडिचर थ्री थाउजेंड से ज्यादा है वो इसके नीचे वाले सारे नंबर होंगे ठीक है तो यहां पर क्या है स्टूडेंट्स टू फिर वन टू जीरो वन ओके जब आप इन सबको एड करोगे तो आपको क्या मिलेगा मोर देन थ्री थाउजेंड कितने नंबर ऑफ हाउस होल्ड है जिनका एक्सपेंडिचर होता है ओके okay? स्टूडेंट्स मोर देन लेस देन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि मोर देन और लेस देन को हम कैसे किसी भी एक मोर देन लेस देन को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ओके okay. डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करते हैं मोर देन लेस देन में ओके सो नंबर ऑफ हाउस होल्ड मंथली एक्सपेंडिचर मोर देन थ्री थाउजेंड आर जीरो प्लस वन दैट इज सिक्स ओके ये क्या होगा ये होगा हमारे मोर देन थ्री थाउजेंट वाले ठीक है फिर जो हमारा सी वाला क्वेश्चन है ठीक है वो क्या है बिटवीन 1500 एंड 2500 क्या बताना है स्टूडेंट्स हमें 1500 और 2500 के बीच वाले ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कि 1500 और 2500 के बीच वाले कौन से होंगे सो so 1500 हंड्रेड से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है ओके एंड 2500 यहां पर खत्म हो रहा है ओके तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे ये दोनों होंगे राइट इन दोनों के बीच का पूछा गया है कि भाई आप इसको एक क्लास बना दो तो 1500 से 2500 तक कितने होंगे हमारे 13 प्लस सिक्स दैट इज 19 हाउस होल्ड ठीक है कितने हुए हमारे 13 प्लस सिक्स नाइनटीन हाउस होल्ड ठीक है तो बहुत इजी से क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन

Prepare a frequency array based on their replies ka survey kiya gaya ki bhai क्या है 45 families का survey कि भाई कितने number of cell phones का log किया गया कितने ठीक है ये जो एक है वो हमें डेटा given है अब इससे हमें क्या बनाना है इससे हमें हमारा फ्रीक्वेंसी अरे ड्रॉ करना है ओके okay? तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं इसे now स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचने से पहले ये फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है, क्या होता है कि आप लोग लो ये मत बोली कि मैम पता नहीं आपने पढ़ाया नहीं है ओके okay? मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है मुझे याद है मुझे याद रहता है ठीक है कि मैं क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है जब हम डिस्क्रीट सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं ओके या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम जिसे कहते हैं वही हमारा क्या होता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी अरे होता है ओके उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी अरे बोल सकते हैं ठीक है तो देखिए स्टूडेंट्स इसलिए हमें सारे जो हमारे टर्म्स रहते हैं उनके अल्टरनेटिव नेम पता होना बहुत जरूरी है अब यहाँ पे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अरे अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी अरे का मतलब नहीं पता हो तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें हमें ड्रॉ क्या करना है राइट right? हो सकता है आप क्लास इंटरवल्स ड्रॉ कर दो ओके okay? एक कंटिन्यूस सीरीज बना दो जो कि हमें करना नहीं है यहाँ पर हमें एक डिस्क्रीट सीरीज बनाना है इसलिए ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें ठीक है तो ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी अरे बनाना है हमें ठीक है तो ये जो भी डेटा गिवेन है स्टूडेंट अगर इसमें देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज हैं तो क्या हो सकती वो? One, two, three, Then four भी है सेवन भी ओके एंड सेवन से बड़ी तो कोई भी वैल्यू मुझे यहाँ पर नहीं रही नंबर दिख नहीं रहा ठीक है तो यहाँ पर क्या क्या है स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ओके तो हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं हम सेवन तक हमारी जो डिस्क्रीट uh, सीरीज है या जो हमारी क्या बोल सकते हैं हमारे जो नंबर ऑफ स्टू सेल फोन है उस वाले कॉलम में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक रहेगा ओके एंड फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रिक्वेंसीज बनेगी ठीक है अब ये चीज हमें पता है ना कि जब हम एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो उसमें तीन कॉलम्स होने चाहिए ओके एक क्या होगा हमारा नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉरी नंबर ऑफ अप्लायसेज ओके मतलब आपका जो भी वेरिएबल है वो आपके फर्स्ट कॉलम में आता है फिर आएगा आपका टेली मार्क्स और फिर आएगा क्या फ्रीक्वेंसी ठीक है तो अब इसे हम ड्रॉ करेंगे अब जीरो सेलफोन्स वाले भी हैं क्या स्टूडेंट्स ये ऑब्वियसली है हमने एक नंबर तो मिस आउट कर दिया ये जीरो जीरो बड़ा सिग्निफिकेंस वाला है ऐसा नहीं बोल सकते हम यहाँ पे कि भाई जीरो का कोई काम नहीं जीरो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस वाला है यहां पर ओके तो हमारा स्टार्ट होगा जीरो से एंड देन वो सेवन तक जाने वाला है ठीक है तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जीरो एक ही बार आ रहा है ठीक है तो जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वन होगी ठीक फिर उसके बाद में वन को देखेंगे हम कि भाई वन कितनी बार आ रहा है? तो वन अगर मैं यहां से देखूं तो क्या हो रहा है? टू, थ्री, देन, फोर, सिक्स, सेवन. सेवन जो है वो मेरा वन रिपीट हो रहा है ओके मतलब कि वन की, की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई सेवन हुई ठीक है फिर अगर मैं टू की देखूं तो टू की कितनी होगी स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ओके टू की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई टू की फ्रीक्वेंसी हुई फिफ्टीन ठीक फिर थ्री की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई थ्री की फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ओके की फ्रीक्वेंसी हुई हमारी ट्वेल्व ओके इस वे में हम पूरा सेवन तक जो है हमारी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं ओके और जब आप काउंट कर लोगे तो ये कुछ हमारे क्या आने वाले हैं ये कुछ हमारी वैल्यूज आने वाली है ये कुछ हमारी फ्रीक्वेंसीज आने वाली है ठीक है तो ये वो क्या है स्टूडेंट्स वो हमारे फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया टेली मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो ये बन गए हमारी क्या फ्रीक्वेंसी अरे क्या बना स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी अरे फ्रीक्वेंसी अरे क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन ओके okay? या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा ओके okay? बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई डिस्क हमें एक डेटा दिया हुआ था और बोला था कि फ्रीक्वेंसी अरे आपको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी अरे का मतलब होता है भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो हमने वो ड्रॉ कर दिया यहाँ पर हमें कोई भी क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें नॉर्मली ड्रॉ करना है ओके सो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो दोनों क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन वो क्या है वॉट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिफाइड डेटा हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स हमें बताना है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ओके कि भाई लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है क्लासिफाइड डेटा में ठीक है सो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स हमें नेम से क्या समझ आ रहा है कि भाई कोई इंफॉर्मेशन है जो कि कहीं पर हमने छोड़ दी है या कहीं पर लॉस्ट हो गई है वो ठीक है कोई इंफॉर्मेशन है जो कि हो सकता है कि कहीं कुछ भी मिस्टेक से हमें मिली नहीं या फिर हमने कोई मिस्टेक से उसे 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 रिकॉर्ड नहीं किया ठीक है हम हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक सो अब देखते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी रॉ डेटा बाय मेकिंग इट कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव राइट जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या करता है स्टूडेंट्स हमारे रॉ डेटा को कंसाइज और वे में छोटा कर देता है समराइज कर देता है राइट right? कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब क्या कि भाई हम छोटा तो जरूर कर रहे हैं उसे लेकिन हर एक चीज को इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है हाउ एवर इट डज नॉट शो डिटेल्स दैट आर फाउंड इन रॉ डेटा एंड लीड्स टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन Now students वैसे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा हमारे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, है वो रॉ डेटा की एक एक इंफॉर्मेशन हमें ना दे राइट ये चीज पॉसिबल है तो जब एक एक इंफॉर्मेशन ना मिले या फिर जो रॉ डेटा उसकी एक एक वैल्यू की कोई सिग्निफिकेंस ना रहे तो वो क्या लीड करता है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन में ठीक है मतलब वो ये बता रहे कि भाई आपने सब कुछ इंक्लूड तो कर लिया लेकिन फिर भी वो जो इंडिविजुअलिटी है एक एक वैल्यू की वो अब नहीं रही ठीक है वो जो एक वैल्यू का सिग्निफिकेंस है वो जब एक ग्रुप में बन गया है जब आपने उसे समराइज किया तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं बचा ठीक है जुअल ऑब्जर्वेशन नो सिग्निफिकेंस इन फोर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ठीक है जब रॉ डेटा स्टूडेंट हमारा क्या होता है छोटा होता है ठीक है जब उसे हम कंसाइज करते हैं समराइज करते हैं या जो हम उसे क्लासेज में डिवाइड कर देते हैं तो जो एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है उसका सिग्निफिकेंस नहीं बचता राइट जैसे कि टेन टू फिफ्टीन एक क्लास है ठीक है So, 10 15 एक क्लास है तो इसके अंदर की जो वैल्यूज है जो इंडिविजुअल वैल्यूज है मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है थर्टीन तो ये जो इसके अंदर थर्टीन वैल्यूज आ रही है उनका इंडिविजुअल जो एक एस्पेक्ट है वो वो खो चुके हैं ओके मतलब वो उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं बची अब ओके So, ये थर्टीन वैल्यूज की खुद की कुछ वैल्यू नहीं बची वो अब एक ग्रुप की सिग्निफिकेंस बता रहे हैं एक ग्रुप जो है वो एक मेन प्ले रोल में आ गया है ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई जब रॉ डेटा को हम समराइज करते हैं और उसे कंसाइज फॉर्म में या कॉम्प्रेहेंसिव फॉर्म में तो क्या होता है कुछ जो रॉ डेटा होते हैं वो अपनी सिग्निफिकेंस खो देती है ठीक है और वो जो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं बचती तो उसे हम क्या बोलते हैं okay? okay? तो है भाई कि सपोज टेन क्लास टेन टू ट्वेंटी कंटेन सिक्स वैल्यूज ओके एक क्लास है टेन टू ट्वेंटी वो क्या कंटेन है सिक्स वैल्यूज को ये पर्टिकुलर उसकी ठीक है 12, 15, 16, 18, 14

सिर्फ किसका सिग्निफिकेंस बचा? इस का, ओके? Okay? ये जो फ्रीक्वेंसी थी सिक्स सिर्फ उसका सिग्निफिकेंस बचा है ओके ऑल वैल्यूज़ इन दिस क्लास आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द मिडिल वैल्यू एंड क्लास इंटरवल और क्लास मार्क ओके ये जो सारी वैल्यूज़ है स्टूडेंट्स फिर उन्हें इंडिविजुअली कोई नहीं देखता ठीक है अब अगर इस क्लास की इस पर्टिकुलर क्लास का मुझे कुछ देखना होगा तो मैं क्या देखूंगी मिड वैल्यू ओके मिड वैल्यू देखूंगी और मैं बोलूंगी ये भाई सारी जो वैल्यूज है वो यही है या वो मिड वैल्यू है ओके okay? मतलब ये जो अलग अलग वैल्यूज है इनने अपना सिग्निफिकेंस खो दिया ठीक है इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई आपकी जो इंडिविजुअलिटी थी अलग अलग वैल्यूज की वो अब नहीं बची ठीक है सो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आर ओनली बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ क्लास मार्क इंस्टेड ऑफ दी एक्चुअल वैल्यूज ओके एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू कंसिडरेबल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होते हैं स्टूडेंट वो किस पर बेस्ड होते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे यूजुअली मिड वैल्यूज पर ओके okay? और वो मिड वैल्यूज के कारण जो हमारे दूसरे वैल्यूज होते हैं उनका सिग्निफिकेंस नहीं बचता ओके आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है वो कौन सा है डू यू एग्री दैट क्लासिफाइड डेटा इज बेटर देन रॉ डेटा वाई क्या आप एग्री करते हो कि जो क्लासिफाइड डेटा है वो रॉ डेटा से बेटर है स्टूडेंट्स ये सारी चीजें छोड़ते हैं जो हमारे रीजंस है वो सारे छोड़ते हैं क्या आपको खुद को ऐसा लगता है मन से कि हाँ भाई जो हमारा रॉ डेटा है उससे ज्यादा अच्छा हमारा क्लासीफाइड डेटा है ऑबियस लगता होगा राइट रॉ डेटा हम देख सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा ऐसा मैशअप होता है वो ओके okay? वहां पर कुछ समझ नहीं आता लेकिन जब हम उस रॉ डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं तो वो चीज़ों को ईजी बना देता है राइट right? हम किसी भी चीज को हम जिस इंफॉर्मेशन की हमें नीड है हम उसे अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के ओके okay? तो ये जो है हमारा रॉ डेटा जब हम चेंज कर देते हैं हमारे क्लासीफाइड डेटा में तो वो डेटा बहुत ही अच्छा बन जाता है ओके okay, तो चलिए हम उसके रीजंस भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हम रीजंस लिख सकते हैं ठीक है एक हमारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सही बताने के लिए ओके okay? सो so, इसका क्या आंसर होगा येस आई एग्री विद स्टेटमेंट ओके दैट क्लासिफाइड डेटा इज बेटर देन रॉ डेटा ठीक है दी फॉलोइंग पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विल जस्टिफाई माई व्यू पॉइंट ओके ये जो पर्टिकुलर लिखा ये किसने लिखा मैंने लिखा ठीक है तो मैं यहाँ लिखूंगी भाई कि हाँ मैं एग्री कर रही हूँ और ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स वो मैं, मैं जो बोल रही हूँ उसे जस्टिफाई करेंगे ठीक है मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ये सारे रीजन हैं जिसके कारण हमारा जो रॉ डेटा है वो अच्छा जो हमारा रॉ डेटा है उससे अच्छा क्या है हमारा क्लासिफाइड डेटा ठीक है तो क्या रीजन है स्टूडेंट्स चलिए हम वो देखते हैं क्लासिफाइड डेटा कंडेन्सिस रॉ डेटा इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हमारा क्लासिफाइड डेटा होता है स्टूडेंट्स राइट right? वो हमारे रॉ डेटा को कंडेंस कर देता है हमारे रॉ डेटा को इतनी अच्छे से क्लासिफाई कर देता है कि भाई जिस सुटेबल आपके जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप परफॉर्म करने वाले हो उसके लिए जो सूटेबल है आप वो काम कर सकते हैं ओके okay? जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे घर का ठीक है हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था आई होप कि आप लोगों को याद होगा जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था आई होप कि आप लोगों को याद होगा जब हमने कलेक्शन पढ़ा था सॉरी ठीक है मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैंने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स एक रूम का ठीक है एक रूम में साफ सफाई नहीं थी ठीक है आपको मम्मी ने बोला भाई कि यहाँ पर जितने भी सामान है वो सारे ऐसे बहुत ज्यादा मैशअप रखे हुए थे सारे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे कुछ समझ नहीं आ रहा था रूम में तो वो क्या था वो था हमारा रॉ डेटा ठीक है अब आपकी मम्मी ने आपको बोला कि ये जो हमारी जितने भी ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रखे हैं यहाँ पर इन्हें अच्छे से प्रॉपर प्लेस पर रख दो ठीक है आपने क्या किया आप अब आपने किया क्लासिफिकेशन कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर आनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ के लिए सूटेबल है ठीक है आपने सारी चीजों को क्या किया आपने सारी चीजों को क्लासिफाई कर दिया ओके अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहां पर क्या आएगा? यहां पे एनालिसिस या ये आएगा कि भाई कितने अच्छे से आपका रूम दिख रहा है हमें ओके कितने प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हम देख सकते हैं ठीक है कितनी साफ सफाई है अगर कोई बाहर वाला आया कोई मेहमान आया तो वो हमारे ये जो पर्टिकुलर रूम है उसको देखकर क्या उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ने वाला है ठीक है तो ये क्या हुआ ये सारा हुआ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ठीक है रॉ डेटा क्या था जब वो आपका रूम पूरा फैला हुआ था ठीक है क्लासिफाइड डेटा क्या हो गया जब आपने पूरे रूम को प्रॉपरली अरेज कर दिया ठीक और फिर उसके बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या हो गया कि भाई कोई थर्ड पर्सन आया तो उसे बहुत अच्छा लगा आपके उस रूम को देखकर क्योंकि वो बहुत अच्छे से पूरा अच्छे से रखा हुआ था सारे सामान सारी जगह पर उन्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि भाई उन्हें बैठना कहाँ पे ठीक है या फिर कौन से सामान को कहाँ पे रखना है अगर उनके हाथ में कुछ था तो एक टेबल था उन्होंने वहां पे रख दिया तो उनको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ठीक है ये एक हम बोल सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया भाई हमारे क्लासिफिकेशन का ओके जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे रॉ डेटा को इस फॉर्म में चेंज करता है जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज आए ठीक है अब हमारा रॉ डेटा है स्टूडेंट्स पॉपुलेशन ठीक है पूरी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो क्या है वो है हमारी रॉ डेटा ओके अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है ठीक है या फिर हम बोले कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें नीडेड है कि भाई हमें बताओ कि लिटरेसी रेट कितनी है आपकी कंट्री की ठीक है तो वो जो पॉपुलेशन था रॉ मटेरियल रॉ डेटा उसको हमने किस चीज में क्लासिफाई किया उसे हमने क्लासिफाई किया लिटरेसी के बेसिस पर ठीक है कि कितने लिटरेट हैं इनलिटरेट हैं एक एक पर्टिकुलर स्टेट में एक एक पर्टिकुलर जगह पर और फिर हमने एक कंबाइन कर देखा ओके okay, तो अब हमने क्या किया भाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने हमारा जो डेटा था उसे क्लासिफाई कर लिया ओके okay, तो इस ये क्या हुआ ये एक एडवांटेज है कि आपका जो रॉ डेटा है उसे आप रॉ नहीं रख के उसे अगर आप क्लासिफाइड डेटा में चेंज कर दो तो ये पर्टिकुलर आपके क्या हो जाएंगे एडवांटेजेस हो जाएंगे ठीक है फिर इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हाईलाइट दी फीचर्स ऑफ डेटा ठीक है ये क्या रिमूव करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज रिमूव करते हैं और हाईलाइट करते हैं उसके फीचर्स को ठीक है जब आपने पॉपुलेशन का डेटा पूरा कलेक्ट किया था ठीक है तो अब स्टूडेंट्स अगर पॉपुलेशन का एक डेटा है आपके पास में और मुझे चाहिए कि मुझे लिटरेसी रेट पता करना है और अगर आप मुझे सिर्फ वो पूरा डेटा पकड़ा दो कि ठीक है इसमें आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगी तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो गई मैं एक के एक अब फिर मैं पूरी मेहनत करूं कि भाई जो डेटा था उसे मैं अब क्लासिफाई करूं और अपने अकॉर्डिंग उसमें से इन्फॉर्मेशन लूं तो ये सारी मेहनत मेरी हो जाएगी राइट लेकिन मुझे ये मेहनत नहीं करनी अगर ये मेहनत और किसी ने ऑलरेडी करके रखी है तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है राइट मुझे सिर्फ जो चाहिए मैं वो लूंगी ओके okay? मुझे सिर्फ पता करना है कि लिटरेसी रेट क्या है इस कंट्री की तो किसी ने जिसने क्लासिफिकेशन किया उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सिर्फ डेटा ले लिया अपना ओके अगर सिर्फ हमें जब सेंसेस बताया जाता है राइट right? तो अगर सिर्फ इतना बता देते कि भाई इतनी पॉपुलेशन है ठीक है और जैसे जैसे उन्होंने कलेक्ट किया था डेटा जिस फॉर्म में वही फॉर्म अगर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया जाता तो हम लोग उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर वो पर्टिकुलर जो सेंसेस था उसे शायद हम स्टडी भी नहीं करते है ना लेकिन जब ये सारी चीजें अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग की गई ठीक है कि जो पॉपुलेशन थी भाई उसको क्लासिफाइड कर दिया कितनी मेल male, कितने मेल्स हैं हैं कितनी फीमेल्स है, क्या लिटरेसी रेट है ओके हेल्थ कंडीशन क्या है उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी क्या है ये सारी चीजें जब हमने क्लासिफाई कर दी डिफरेंट 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 तो वो चीज इजी हो गई ओके okay? एक लेमैन भी वो जो पर्टिकुलर डेटा है उससे इन्फ्रसेस ड्रॉ कर सकता है ओके okay? तो ये क्या है स्टूडेंट्स ये है कि भाई हमारा जो क्लासिफाइड डेटा है वो हमारे रॉ डेटा को बहुत ही सिंपल बना देता है और जो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हो अगर तो वो हाईलाइट कर देते हैं ओके देन इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन एंड ड्रॉइंग इंफेरेंसेस फ्रॉम द डेटा ओके अब जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इंफेरेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं मतलब हम उसमें से कुछ कंक्लूजंस निकाल सकते हैं राइट right? और कंपैरिजन कंपैरिजन में भी फैसिलिटेट करता है क्लासिफिकेशन ओके okay? जैसे कि जो एग्जाम्पल अभी तक हमने लिया पॉपुलेशन का तो पॉपुलेशन का एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हमारा ओके okay? या जो डिफरेंट डिफरेंट हमने एक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया है right? राइट तो उसमें हम देख सकते हैं कि हाँ देखो भाई जब लिटरेसी देखी तो लिटरेसी में ये पर्टिकुलर स्टेट की इतनी लिटरेसी है वो पर्टिकुलर स्टेट की इतनी लिटरेसी है दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं इतने मेल्स हैं इतने फीमेल्स हैं कंपैरिजन हो सकता है राइट right? तो जो क्लासिफिकेशन है वो कंपैरिजन में हमें फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन हमारे लिए इजी बनाता है ओके देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट ओके जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या करता है स्टूडेंट्स वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, हमें, okay? या फिर एक की देता है कि भाई वेरिएबल्स हैं ओके या जो डिफरेंट डिफरेंट हमने क्लासिफिकेशन किए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ठीक है जैसे कि जो पॉपुलेशन थी ठीक है पॉपुलेशन में हमने देखा कि पहले वो मेल फीमेल में डिवाइड हो गई ओके okay? फिर लिटरेट लिटरेसी के बेसिस पर डिवाइड हो गई अब लिटरेसी में हम देख रहे हैं कि भाई जो मेल है वो ज्यादा लिटरेट है फीमेल जो है वो लेस लिटरेट है ठीक है तो क्या कंपैरिजन बना रहा है लिटरेसी और फीमेल के बीच में क्या हमारा वो बना रिलेशन कि भाई फीमेल है तो लिटरेसी थोड़ी कम है ठीक है मेल है मेल और लिटरेसी के बीच में क्या रिलेशनशिप बना मेल है तो लिटरेसी ज्यादा है ओके तो ये हमारे रिलेशनशिप्स भी हमें रिलेशनशिप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है हमारा जो क्लासिफाइड डेटा होता है वो ओके देन इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ डेटा सेट इनटू होमोज़ेनियस ग्रुप्स हेंस ब्रिंग्स आउट दी पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स वो हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कैसे हेल्प करता है सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स जो पूरा हमारा एक पूरा अप जो डेटा होता है राइट रॉ डेटा में तो हम बहुत सारे फीचर्स देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स देख सकते हैं तो जो हमारा

एनालिसिस में हेल्प करेगा हमें है ना अगर मुझे लिटरेसी के बारे में जानना है तो मैं नंबर ऑफ मेल या फीमेल को क्यों जानूंगी राइट right? मुझे तो सिर्फ लिटरेसी के बारे में पता करना है मुझे और कुछ पता नहीं करना तो मैं सेक्स कंपोजिशन पे नहीं जाने वाली हूँ राइट right? या फिर मुझे लिटरेसी के बारे में पता करना है तो मैं किसी के इनकम स्टेटस पर नहीं जाऊंगी राइट right? तो ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बता रहा है ओके okay? कि भाई जो लिटरेसी वाले डेटा है वो सारे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अगर मुझे सिर्फ लिटरेसी के बारे में देखना है तो मैं सिर्फ लिटरेसी के बारे में एनालिसिस करूंगी अगर मुझे चाहिए कि भाई लिटरेसी का क्या रिलेशनशिप है हमारी इनकम से कि हाँ जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं जो थोड़े अच्छे रिच पीपल हैं वो ज्यादा लिटरेट होते हैं अगर मुझे ये रिलेशनशिप देखना है तो मैं लिटरेसी और इनकम लेवल को देख सकती हूँ मैच कर सकती हूँ ठीक है तो ये हमें हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी ओके ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताता है ओके तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे कुछ एडवांटेजेस जो कि हमारे क्लासिफाइड डेटा को अच्छा बनाते हमारे रॉ डेटा से ओके okay? ये चीज तो हमें अच्छे से पता थी ना कि भाई रॉ डेटा से तो बहुत अच्छा है हमारा क्लासिफाइड डेटा राइट रॉ डेटा के फॉर्म में अगर कोई भी डेटा प्रेजेंटेड है हमारे सामने तो हम उसे उतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे राइट right? लेकिन अगर वही डेटा क्लासिफाई कर दिया जाए तो वो बहुत ही ईजी बन जाता है हमारे लिए है ना तो रॉ डेटा से बहुत 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 ज्यादा अच्छा कौन सा होता है हमारा क्लासिफाइड डेटा ठीक है और ये कुछ हम बोल सकते हैं हमारे एडवांटेजेस हैं रॉ डेटा के अबव हमारे क्लासिफाइड डेटा के ठीक है कि भाई क्लासिफाइड डेटा के क्यों अच्छा है ये उसके रीजनस हो गए ठीक आई होप स्टूडेंट्स की ये सारे रीजन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे ओके थ क्वेश्चन अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो वो क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिवेरियंट एंड बायो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है क्या दिया गया हमें कि भाई आपको यूनिवेरियंट और बायोवेरियंट के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस बताना है तो स्टूडेंट्स अगर हम पहले इसका एक मीनिंग में डिफरेंस समझे तो क्या है यूनिवेरियंट यहाँ पे क्या आएगा वन वेरिएबल राइट यूनि का मतलब क्या होता है यूनि का मतलब वन होता है एंड अनवेरिएट का मतलब वेरिएबल हो गया ओके सो वन वेरिएबल जहां पे होगा वो होगी हमारी यूनिवेरियट ठीक है और बाय वेरियंट क्या होगा टू वेरिएबल्स ठीक है बाय वेरिएट क्या हो गया स्टूडेंट्स जहां पर दो वेरिएबल्स हो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे बाय बायोरियंट ठीक है ये इसका एक जनरल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में कि यूनिवेरियंट क्या होता है एंड बाय अनबाइवेरियंट क्या होता है ठीक है अब इसके बीच में और थोड़े अच्छे से हम रिलेशन सॉरी डिफरेंसेस देख लेते हैं कि भाई यूनिवेरियंट और बायोवेरियंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ठीक है तो क्या होते हैं स्टूडेंट सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे ओके हम जब डिफरेंस बनाते हैं तो हम बेसिस को जरूर याद रखते हैं राइट ये बेसिस होना चाहिए हमारे डिफरेंसेस में है ना तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिवेरिएट से ठीक है और फिर बायोवेरिएट देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट वाला बेसिस क्या हुआ मीनिंग भाई पहले हम दोनों के मीनिंग बता देते हैं ठीक है ये हमारा एक पॉइंट भी बन जाएगा और एक एग्जामिनर को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ एक प्रॉपर वे से स्टार्टिंग हुई है तो हमारा जो एग्जामिनर है जो चेक कर होगा वो खुश रहेंगे हमसे ठीक है तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हमारे मीनिंग से ओके तो मीनिंग क्या बोल रहा है वेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल ओके किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है स्टूडेंट्स सिंगल वेरिएबल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो वो क्या होगा वो होगा हमारा यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा बाय वेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स ओके किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है स्टूडेंट्स टू वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बाय वेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके okay. देन पर्पस पर्पस क्या है यूनिवेरिएट और बायवेरियंट का ठीक है तो चलिए हम वो देखते हैं इट एम्स टू मेक डिस्क्रिप्शन अबाउट पर्टिकुलर वेरिएबल ठीक है जो हमारा यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पर्पज या फिर इसका एम ये है कि भाई जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है उसके बारे में पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दो ठीक है यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है ना तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग है मतलब ठीक है कि एक वेरिएबल की आपको पूरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है ओके एंड बायो वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इट एम्स टू डिटरमाइन द इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो हमारा बायो वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पर्पस या उसका एम क्या होगा कि भाई दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताना कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं अगर हाइट है हमारी फिफ्टी सिक्स वन फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर्स तो उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होगा ओके okay. ये रिलेशनशिप बताना ठीक है यही चीज आपने सुनी होगी ना स्टूडेंट्स की हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी डिटरमाइन होता है कि भाई आपकी हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी होना चाहिए जो थोड़े ज्यादा लंबे हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए राइट ये चीज आपने भी सुनी होगी तो ये जो हमारा बायोरियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या बता रहा है भाई दोनों के बीच में रिलेशनशिप कि हाइट अगर आपकी इतनी पर्टिकुलर है तो आपका वेट कितना होना चाहिए ओके ये क्या बताया ये बताया रिलेशनशिप ठीक है देन अल्टरनेट अल्टरनेट नेम दोनों के नेम्स क्या क्या होते हैं हैं ओके सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोल सकते वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वन वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल है, है ओके तो इसे हम क्या बोल रहे हैं वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके देन जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स उसे हम बोल सकते हैं टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके वो क्या हो गया हमारा बायो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक फिर अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ठीक है एक वेरिएबल लिया यहाँ पे ठीक है सिर्फ हाइट लिया स्टूडेंट्स की क्लास में ओके और बाय वेरियंट में क्या हो गया बाय में हो गया हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स एन क्लास यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए ओके तो वेरिएट के एग्जाम्पल में कोई भी वेरिएबल डाल दो पर एक सिंगल वेरिएबल होना ओके एंड बाय वेरियंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डालेंगे हम दो वेरिएबल्स डालेंगे ओके एंड दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बोल दो भाई हाइट और मार्क्स तो हाइट और मार्क्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसकी हाइट बड़ी है उसके अच्छे मार्क्स होंगे या जिसकी हाइट छोटी उसके कम मार्क्स होंगे ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है हाइट एंड मार्क्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन हाइट एंड वेट का रिलेशनशिप होता है तो हमने हाइट एंड वेट को साथ में रखा ओके मतलब हमने जो दो वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में कुछ थोड़ा बहुत तो रिलेशनशिप होना ही चाहिए ठीक है आई होप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर आप लोगों को क्लियर होगा यूनिवेरियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायरियट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके बहुत इजी इजी सी चैप्टर था हमारा और बहुत इजी इजी सी चीजें हैं ये ओके okay? ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले भी आप ये समझ लो कि ये क्या चल रहा है हमारा ये चल रहा है हमारा रिविजन ओके okay? तो ये थे हमारे क्या यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाय बायरियट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है दोनों के बीच का डिफरेंस था ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 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 ठीक वो क्या प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल फ्रॉम सेवन सॉरी टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ सेवन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ओके ये एक डेटा गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में और हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इनक्लूसिव मेथड से ओके इनक्लूसिव मेथड से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ठीक है आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है ओके हमें करना क्या है हमें बनाना है भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव मेथड के थ्रू ठीक तो है तो चलिए हम बनाते हैं ये पर्टिकुलर हमें डेटा गिवन है अब हम क्या करेंगे अब हम हमारा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे ठीक है तो इस पर्टिकुलर डेटा में स्टूडेंट्स एक और चीज हमें एक तो क्वेश्चन में दे दिए कि जो क्लास इंटरवल होंगे वो कैसे होंगे वो होंगे हमारे सेवन सेवन के ओके okay? मतलब सेवन सेवन का डिफरेंस होगा हमारे क्लास इंटरवल सेवन होंगे अगर स्टूडेंट्स में इस पर्टिकुलर डेटा में सबसे छोटा नंबर देखो राइट छोटा नंबर क्यों देखना है कि भाई हमें स्टार्ट कहां से करना होगा ठीक है जो हमारी फोर्स्ट क्लास होगी वो कहां से स्टार्ट होने वाली है इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे हम सबसे छोटी वैल्यू ठीक है तो अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू पर जाऊं तो ये कुछ सिंगल डिजिट्स में आएगी ये हो गया टू ये हो गया वन ओके एंड फिर उसके बाद में वन से छोटा मुझे जीरो तो कहीं पर भी नहीं दिखा तो क्या है ये वन ठीक है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे वन टू सेवन ठीक है फिर होगा हमारा एट टू फोर्टीन ठीक है ये कुछ हमारे क्या होने वाले ये हमारे क्लासेस होने वाले सेवन सेवन के अब कहां तक जाने वाली हमारी क्लास राइट right? कहां तक एंड जाएगी ओके okay? तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए उसके लिए हमारे पास में होना चाहिए जो लार्जेस्ट वैल्यू हो ओके okay? तो चलिए हम लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मुझे ये ट्वेंटी एट देखी लेकिन उसके बाद में यहां पर आ गई थर्टी सिक्स ओके फिर अगर मैं नेक्स्ट वाली जो हमारी सेकेंड वाली रो है उसमें देखूं तो उसमें मुझे थर्टी सिक्स से बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं दिख रही ठीक है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट्स थर्टी सिक्स हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हुई मतलब हमें इंटरवल्स तब तब तक तक बनाने हमें हमारी क्लासेस फॉर्म करनी है जब तक ये जो है वो इंक्लूड ना हो जाए ओके सो so, इस थर्टी सिक्स को भी हमें इंक्लूड करना है तो वो हमारी लास्ट इंटरवल या लास्ट क्लास होने वाली ठीक है थीके? हमने स्टार्ट की जीरो से सो so जीरो हमारी एक क्लास ठीक है फिर एटीन टू फिफ्टीन सिक्सटीन टू ट्वेंटी थ्री ठीक ठीक है 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 ये हमारी क्लासेस हुई इसकी 7, 7 इसकी क्या क्लास है? इंटरवल है तक चली इसमें हमारा जो सबसे बड़ा नंबर वो इंक्लूड हो जाएगा ओके अब अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पड़ेगी राइट जीरो टू सेवन में की क्या फ्रीक्वेंसी होने वाली है हमारी है ना तो इस पर्टिकुलर डेटा में हमें क्या निकालना है कि जीरो से सेवन के बीच में कितनी वैल्यूज आने वाली है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सारे टू डिजिट नंबर्स हैं ये सेवन सेवन को आप इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये कौन से टाइप का मेथड है इंक्लूसिव मेथड इंक्लूसिव मेथड में सारी वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं राइट एक्सक्लूसिव में हमारी जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड होती है लेकिन इंक्लूसिव मेथड में सब कुछ इंक्लूड होता है ओके सो इंक्लूसिव मेथड है तो ये सेवन क्या होगा इंक्लूड होगा ठीक है तो ये क्या हुआ भाई सेवन होगा टू होगा देन फोर वन थ्री ओके नाइन एंड एट तो बड़े हो गए हमारे देन फाइव हुआ ओके देन फोर फिर थ्री आया हमारा बहुत ही हमें अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा बिकॉज क्या है कि ऐसे ही इसी कुछ फॉर्म में हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में भी राइट right? या हमारे जो भी बुक्स होती है उनमें तो ऐसे बहुत पास पास में रहते हैं तो हम कुछ नंबर मिस कर भी सकते हैं इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करके अच्छे से और फिर हमें देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज हैं और क्या हमने सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लिया है ठीक है तो ये पर्टिकुलर क्या होगी ये पर्टिकुलर होंगी हमारी फ्रीक्वेंसी फॉर आर फर्स्ट क्लास इंटरवल ठीक है जीरो टू सेवन के बीच की फ्रीक्वेंसी में इतनी वैल्यूज आने वाली है ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी एट टू फिफ्टीन तो हम फिर इसमें देखेंगे कि भाई 8 टू 15 के बीच में कौन कौन से वैल्यूज हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या डिफाइन कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देंगे ओके और स्टूडेंट्स मुझे पता है कि आप लोगों को आता है अच्छे से कि भाई अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो हमें फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी होती है ओके तो मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे इसका आंसर नहीं देखोगे इसका क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे ओके एंड उसके बाद में चेक करने के लिए कि क्या आपने सही किया या नहीं किया तो आप उसका आंसर भी देख लोगे कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर आंसर से हमारा क्या है आपका खुद का आंसर मैच हो रहा है ठीक है तो इस पर्टिकुलर डेटा से आपको हर एक क्लास की क्या करनी है आपकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना है ठीक है तो जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज को चेक कर लोगे स्टूडेंट्स तो कुछ ये फ्रीक्वेंसीज हमारे कितनी आएगी फोर्टीन ट्वेंटी फोर टू थर्टी वन की फ्रीक्वेंसी आएगी इलेवन और थर्टी वन टू थर्टी नाइन की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी फाइव ओके जब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप टेली मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये आपके टेली टेली मार्क्स मार्क्स आने वाले हैं ओके ओके और में में कन्वर्ट करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते आए हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में थ्री कॉलम्स होते हैं फर्स्ट वाला कॉलम होता है हमारे वेरिएबल का ओके सेकेंड वाला कॉलम होता है हमारे टेली मार्क्स का ठीक है और जो थर्ड वाला कॉलम होता है वो कौन सा होता है वो होता है हमारे फ्रीक्वेंसी का ठीक है तो पहले हम क्लासेस फॉर्म करते हैं है ना फिर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं ठीक है और फिर हम टेली मार्क्स को ड्रॉ करते हैं ओके आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है अच्छे से ठीक है कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है ठीक देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग ये एक क्या गिवन है हमारे पास में ये एक स्टेटमेंट गिवन है ठीक है अब इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या हम हमसे पूछा जा रहा है ठीक है हम वो देखते हैं एग्जामिन द अबव सेंटेंस केयरफुली एंड नोट द नंबर्स ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड ठीक है हमें क्या करना है हमें करना है भाई कि ये जो पूरा सेंटेंस है इसे केयरफुली आप पढ़ो और नंबर ऑफ लेटर्स एक-एक वर्ड में कितने हैं वो आपको देखना है ठीक है हैTreating the number of letters as a variable prepare a frequency array of this data अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि भाई इनमें जो नंबर इनमें जो लेटर्स हैं ओके okay? वो सिंगल सिंगल लेटर को आपको एक सिंगल वेरिएबल मानना है ठीक और फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी अरे फॉर्म करना है ठीक है तो ये पर्टिकुलर हमें क्या दे दी एक स्टेटमेंट दे दी अब हमें एक फ्रीक्वेंसी अरे का फॉर्मेशन करना है ठीक है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि भाई हम क्या कौन सा वेरिएबल लेंगे कौन सा नहीं लेंगे ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे ठीक है ए से स्टार्ट करते हैं ठीक है हम एल्फाबेटिकली चलेंगे ए बी सी डी ई एंड सो ऑन ठीक है अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो क्या इस पर्टिकुलर में मुझे ए कहीं पर दिख रहा है तो ये वो दिख रहा है ये लेजी में ए है ओके वो मैंने कट कर दिया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई वन हुई अब अगर मैं बी को देखूं तो क्या बी कहीं पर है तो बी ये रहा ठीक है इसके अलावा बी कहीं पर भी नहीं है ठीक है फिर मैं अगर सी को देखू स्टूडेंट तो सी ये रहा ठीक है और, और 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 नहीं है तो सी हुआ वन ठीक है फिर डी तो डी भी स्टूडेंट्स ये रहा डॉग में डी ठीक है फिर ई e को अगर मैं देखूं तो ये द में है उसके बाद में ये ओवर में है और ये ई द में राइट तो मतलब तीन है तीन बार ई e आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई थ्री हुई ठीक है फिर ऐसे ही मैं और आगे बढ़ू ठीक है एफ पर गई मैं तो एफ को अगर मैं चेक करूं तो ये रहा एफ ओके तो ये क्या हुआ वन ठीक है तो ऐसे करके स्टूडेंट्स में कहां तक जाने वाली हूं मैं जाने वाली हूं पूरा Z तक ठीक है यहां पे मुझे ये Z भी दिख रहा है तो मतलब Z भी आ ही रहा है ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ रहा है ठीक है अगर कोई सा ऐसा कोई अल्फाबेट होगा जो कि इसमें नहीं होगा अगर ओके तो ठीक है उस चीज को हम इग्नोर कर देंगे ओके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे ठीक है लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हमें देखना कि भाई कौन से वेरिएबल हैं कौन से नहीं है ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे हमने एल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया सब कुछ ठीक कि भाई हम एल्फाबेटिकली हमने पहले अरेंज कर दिया हम पहले एबीसीडी से चलेंगे और देखते जाएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर हमारा जो अल्फाबेट है वो है या नहीं है इस सेंटेंस में ठीक है और हम क्या फॉर्म करेंगे या क्या प्रिपेयर करेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी अरे ओके फ्रीक्वेंसी अरे का मतलब क्या होता है कि कोई क्लास इंटरवल नहीं होगी एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओके तो जब आप इस सबको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको कुछ ये पर्टिकुलर क्या मिलने वाले हैं हमारे ये पर्टिकुलर आपको जो हमारा फ्रीक्वेंसी अरे वो मिलने वाला है ओके यहाँ पर हाफ भी नहीं इसका हम बोल सकते हैं कि सिर्फ वन फोर्थ पार्ट ही है पूरे हमारे फ्रीक्वेंसी अरे का ओके मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मुझे इतना ही करना पड़ेगा ठीक ए की देखिए ए टू e तक हम अभी देखकर आए थे हमने खुद ने अपने खुद अपने हाथों से सॉल्व किया था राइट ए टू ई तो ए की हमने देखा था कि भाई फ्रीक्वेंसी वन निकली थी बी की वन थी सी की वन थी डी की वन थी और ई की कितनी थी थ्री थी ओके इसी वे में स्टूडेंट्स हम सारे पूरे अल्फाबेटिकली चलेंगे जैसे हम ए टू ई तक हमने देखा था वैसे ही अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे अगर कोई भी ऐसा अल्फाबेट होगा जो कि उस पर्टिकुलर लाइन में या उस पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो हम उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे ओके लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग जिस उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो नोट डाउन कर लेंगे ठीक है तो यहां पर हुआ एफ तक ठीक है फिर जी एच आई के एल ओके ये पर्टिकुलर जी एच आई के एल की ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होने वाली है ओके जब आप इसे चेक करोगे तो आपको यही आंसर मिलेंगे ओके फिर ये एल तक हुआ फिर वही एम एन ओ पी क्यू आर एस ठीक है ये तक इस पर्टिकुलर टेबल में आया ओके ये पूरे टेबल स्टूडेंट सीक्वेंस में चल रहे हैं यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं थी इसने मुझे उसे डिवाइड करना पड़ा पाइप में ओके तो ये क्या हुए ये हुआ हमारे फ्रीक्वेंसी उन पर्टिकुलर लेटर्स की ठीक है लेटर क्या है लेटर है हमारे वेरिएबल्स ओके देन और आगे जाए तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये इनकी ये फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार सारे जो हमारे जो जितने हैं सारे लेटर्स वो सारे इंक्लूडेड है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में राइट ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जिसे हमने अभी तक मिस आउट किया हो वाई एंड जेड ओके जेड तक सारे लेटर्स इसमें इंक्लूड हुए हैं ओके okay? तो ये हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन था एक सेंटेंस दे दिया और बोल दिया कि आपको भाई इसकी फ्रीक्वेंसी बताना है राइट एक एक लेटर को आप वेरिएबल मानिए और उन वेरिएबल के आपको क्या बताना है उस वेरिएबल के थ्रू आपको एक फ्रीक्वेंसी अरे को फॉर्मेशन करना है राइट एक फ्रीक्वेंसी अरे का फॉर्मेशन करना है तो ये पर्टिकुलर हमने क्या किया ये पर्टिकुलर हमने उसका आंसर बता दिया कि भाई ए से लेके जेड तक सारे तो वे लेटर्स उसमें हो रहे थे इंक्लूड तो हमने उन पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी आपको बता दी ठीक है सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले अब हम देखेंगे एक क्विक रिकैप हमारा जो थर्ड चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा उसका ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए ओके okay? उसके एनसआईटी सोल्यूशन भी कंप्लीट कर लिए ठीक अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे उसका एक क्विक रिकैप ओके क्विक रिकैप का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करना है हमें राइट right? एक रिविजन टाइप का राइट right? तो इसमें हम किसी भी चीज में डिटेल में नहीं जाने वाले एक एक चीज का रीजन नहीं देखने वाले एक एक चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं देखने वाले ओके okay? हम सिर्फ एक रिकैप देखेंगे कि हाँ ठीक है हमने ये ये पढ़ा था इसका एक ब्रीफ में ये ये मतलब होता था राइट right? और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो की हेल्प अभी नहीं लेंगे ओके ये वाली वीडियो आप अभी नहीं देखोगे आप पहले ये पूरे चैप्टर की पुरानी वाली वीडियोस देख के आइए ठीक है ठीके? और उसके बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो से आप एक रिवाइज कर सकते हो कि ये रिविजन में आपको हेल्प करेगा कि आपने थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है ठीक तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्विक रिकैप से सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन

अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है क्लासिफिकेशन राइट right? सब कुछ क्लासिफिकेशन पर ही बेस्ड है भाई हमने ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि ना जो जितना भी हमारा डेटा होता है जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें क्लासिफाई करना होता है है ना तो क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स and separating them into different but related parts ठीक है क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में या ग्रुप्स में ठीक है किसके अकॉर्डिंग वो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ठीक है मतलब हम कुछ होमोजीनियस ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारा पूरा डेटा है उसमें से ठीक है और वो जब पूरे डेटा में से हम कुछ ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट कर देते हैं ओके एंड सिमिलर पार्ट्स को साथ में लेते हैं ठीक है मतलब कि जो अलग अलग जो हैट्रोजीनियस टाइप के डेटा है उन्हें हम अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्म कर देंगे और जो हमारा ग्रुप फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो रहा है वो हो रहा है होमोजीनियस काइंड का ठीक है ये एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल भी छोटा सा लेंगे जल जल्दी जल्दी खत्म करना है भाई क्विक रिविजन है आप लोग बोल दोगे मैम बोर करने लगी है आप हमें ओके हाँ मुझे पता है नहीं बोलोगे लेकिन मुझे भी जल जल्दी जल्दी खत्म करना है भाई क्विक रिवीजन है तो क्विक होना चाहिए वो राइट तो अगर इसका मैं एक लूँ, तो क्या हो सकता है इलेवेंथ right? है, है का, का अलग है टेंथ अलग है नाइन्थ अलग है ये क्या है ये जो क्लासेस फॉर्मड हुई है ये क्या है ये क्लासिफिकेशन है ठीक है ये, ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ स्टूडेंट्स अगर ये आप अगर मैं बोलूं कि रॉ डेटा होता तो आपकी नर्सरी टू ट्वेल्थ सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ में एक ग्राउंड में बैठ जाते हैं या एक क्लास में बैठ जाते हैं कि ठीक है टीचर आप पढ़ाइए आपके अकॉर्डिंग जो जो बच्चा जिस जिस क्लास का है उसको आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते जाइए तो ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है ना लेकिन जो पूरी स्कूल थी उसे क्या किया गया उसे क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया और जो होमोजीनियस नेचर के जो वेरिएबल्स है मतलब कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं राइट वो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर वो क्लासेस को अटेंड करते हैं ठीक है अब जैसे कि आप स्टूडेंट्स देखें 11th एंड 12th तो 11th और 12th में फर्दर क्लासिफिकेशंस देखते हैं हम है ना अब 11th में आप लोग पहुंचे आप लोगों का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ 10th तक आप सब लोग साथ में थे अब जब 11th में आए तो और ज्यादा क्लासिफिकेशन हो गया राइट जो सब्जेक्ट्स थे जो स्ट्रीम्स थे उसके अकॉर्डिंग दूसरे दूसरी क्लासेस या दूसरे दूसरे ग्रुप फॉर्म हो गए है ना कॉमर्स का अलग हो गया साइंस का अलग हो गया आर्ट्स का अलग हो गया राइट right? तो ये अलग अलग ग्रुप हम देख रहे हैं है ना तो ये क्या है ये क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन किस लिए हेल्प करता है भाई कि क्लासिफिकेशन से जो चीजें हैं वो सिंपल हो जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है ओके हम ईजिली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या मेथड्स है हमारे क्लासिफिकेशन के तो हमने चार मेथड्स देखे थे वो क्या थे जोग्राफिकल क्रोनोलॉजिकल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव राइट ये चार हमारे क्या थे ये चार थे हमारे मेथड्स ओके ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन एरिया के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है हम उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं ठीक है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टाइम के बेसिस पर राइट right? डेली वीकली मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली, ईयरली, ओके ये क्या हो गया ये हमारे टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वालिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ओके okay? जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है डिफरेंट डिफरेंट हमारे डेटा की उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ठीक है एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब क्या क्वांटिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ओके नंबर्स के बेसिस पर क्वांटिटेटिव में हमें नंबर्स पता है तो किसी भी डेटा को नंबर्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर देना वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ठीक है तो ये चार मेथड्स पढ़े थे स्टूडेंट्स हमने हमारे क्लासिफिकेशन के अंडर कि ये चार मेथड्स हैं या ये चार टाइप्स हैं जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है ओके okay? आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें पहले भी अच्छे से समझ में आ गई थी और अभी ये, ये रिविजन में भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ओके देन स्टूडेंट्स हमने देखा था वेरिएबल राइट वेरिएबल क्या होता है इट रिफर्स टू क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनादर वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी किसी चीज की या ऐसी कोई भी वैल्यू किसी चीज कि, की जो कि चेंज होती है इन्वेस्टिगेशन के चेंज होने के साथ में ओके okay? या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि भाई वो चेंज होती है हर एक डिफरेंट डिफरेंट आइटम के रिस्पॉन्स में ठीक है कि भाई मेरी हाइट कुछ और है आपकी हाइट कुछ और है तो ये वेरिएबल है ओके हाइट क्या है वेरिएबल है हाइट वेरिएबल है पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रही है ओके तो ये वेरिएबल है भाई वेरिएबल क्या हो गया वो एक वैल्यू किसी भी एक चीज की किसी भी एक आइटम की जो कि चेंज होती है ओके या ऐसे आइटम्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है ठीक है

एज को मेजर किया राइट right? वेट को मेजर किया ऐसे जो सारे वेरिएबल्स हैं हैं उन्हें हम मेजर कर रहे राइट right? तो जिसे हम मेजर करते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल और जिसे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास ये हम काउंट कर कर बताएंगे तो ये क्या होंगे ये होंगे हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स ठीक है जो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं राइट right? हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होते हैं कंप्लीट नंबर होते हैं यहां पर हम फ्रैक्शन को नहीं देख सकते ठीक है और जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं ये कंप्लीट एंड फ्रैक्शन दोनों नंबर होते हैं ठीक है कंटिन्यूस वेरिएबल में हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई कंप्लीट नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है ठीक है तो ये दो काइंड kind ऑफ of हमारे क्या हो गए हमारे हो गए ये वेरिएबल्स ठीक है फिर आता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम किसे बोलते हैं कि एक आइटम जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है आपके पूरे डेटा में है ना उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सो रिफर्स टू दी नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपियर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है कितनी बार आ रही है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो आ रही है आपके किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी को भी हम स्टूडेंट्स दो टाइप्स में बोल सकते हैं एक हो जाएगी हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी ठीक है जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल का एक आप बोल सकते हो छोटा पार्टन ठीक है ठीके? तो इसमें जो आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके डिस्क्रीट वेरिएबल और डिस्क्रीट सॉरी कंटिन्यूस वेरिएबल से ठीक है ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल को मेजर करती है डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी ठीक है और ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो क्या हो गई वो हो गई हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी ठीक है अगर किसी भी वेरिएबल को अगर हमें एक वेरिएबल दिया गया स्टूडेंट्स हाइट ठीक है students, height, तो अब हाइट आपका डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस इसे आप कैसे देखोगे सिंपल सी चीज है आप देखोगे कि भाई हाइट को हम मेजर करते हैं या काउंट करते हैं तो हाइट को हम मेजर करते हैं ना अगर मेरी हाइट आपको पता करनी है तो आपको मेजर करनी पड़ेगी राइट आप ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गई मैम की हाइट ऐसा नहीं हो सकता ना आपको मेजर करनी पड़ेगी तो हाइट क्या हुआ हाइट हुआ हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल ओके और जिस चीज को हम काउंट करते हैं वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल ओके एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसीज भी चलती है ठीक है फिर आता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है रिफर्स टू अ अ टेबल टेबल इन द द फ्रीक्वेंसीज एंड एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर साइड साइड बाय राइट एक जो हम टेबल पढ़ते हैं है ना हमने अभी तक बहुत सारे टेबल्स पढ़े हैं ना तो वो जो टेबल होते हैं वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं टेबल हमें बताता है कि आपका ये वेरिएबल है और उसकी ये फ्रीक्वेंसी है वो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं एक दूसरे के साथ में ठीक है वो क्या होगा वो होगा हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हमारी दो टाइप्स की डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी भाई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल को मेजर कर रही है ओके okay? या जो डिस्क्रीट वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रही है वो क्या हो गई वो हो गई हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यहां पर हम देखेंगे कि क्लासेस का फॉर्मेशन नहीं होता है ओके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस नहीं होती हैं और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसे हम ये बोलते हैं ओके फ्री कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लासेस देखते हैं राइट right? यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स देखते हैं कि जो हमारा पूरा डेटा है वो क्लासेस के बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर दिया है ओके okay? क्लासेस के थ्रू हमने उसे क्लासिफाई कर दिया ठीक है जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है स्टूडेंट्स उसमें कितने कॉलम्स होते हैं उसमें होते हैं तीन कॉलम्स वो तीन कॉलम्स किस किसके फर्स्ट तो होता है हमारा वेरिएबल ओके okay? फर्स्ट कॉलम क्या होगा हमारा वेरिएबल का होगा आपका जो भी वेरिएबल है वो आएगा ठीक है जो सेकेंड कॉलम होता है वो होता है हमारा टेली मार्क्स का ठीक है यहाँ पे हम टेली मार्क्स ड्रॉ करते हैं फिर जो थर्ड कॉलम होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का यहां पर हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं नंबर्स में फ्रीक्वेंसी बताते हैं इस पर्टिकुलर वे, वेरिएबल की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ठीक है तो ये तीन कॉलम्स के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं ओके देन आता है स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिकल सीरीज ओके स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब क्या है अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर ठीक है स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब होता है कि भाई कि भाई जो आपका क्लासिफाइड डेटा है ओके okay, आपने आपने डेटा को क्लासिफाई कर लिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आपने उसे फॉर्म कर दिया है लेकिन अब स्टैटिस्टिकल सीरीज का क्या मतलब हुआ कि वो जो क्लासिफाइड डेटा है उसे आप एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो ठीक है वो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल सीरीज ठीक है अब स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप्स होते हैं राइट स्टैटिस्टिकल सीरीज के क्या टाइप्स होते हैं मेनली ब्रॉड दो टाइप्स हैं कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम तीन टाइप्स और देख सकते हैं क्या है वो टाइम सीरीज स्पेशल सीरीज एंड कंडीशन सीरीज ठीक है टाइम सीरीज में हम क्या देखेंगे कि भाई आपका जो डेटा है उसे आप कैसे अरेंज कर रहे हो टाइम के बेसिस पर ठीक है उसे आप कैसे अरेंज कर रहे हो टाइम के बेसिस पर अरेंज कर रहे हो वो क्या होगा हमारे वो हो गए हमारी टाइम सीरीज ठीक है कि यार 2011 में जो हुआ वो पहले बताएंगे फिर 2012 बताएंगे फिर 2013 फिर 2014 ऐसे करके हम टाइम के बेसिस पर किसी चीज को बता रहे हैं ठीक है लिटरेसी जो रेट है वो टू में कुछ डेस डैश परसेंटेज था और टू 14 में डैश डैश परसेंटेज था ठीक है तो ये क्या टाइम के बेसिस पर हम बता रहे हैं किसी भी डेटा को ओके किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ओके फिर आता है स्पेशल सीरीज स्पेशल सीरीज क्या होता है स्टूडेंट्स स्पेशल का क्या मतलब होता है स्पेशल का मतलब होता है जोग्राफिकल राइट right? तो जोग्राफिकल का मतलब क्या कि एरिया के बेस पर है ना एरिया के बेस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे स्पेशल सीरीज ठीक है या जो जोग्राफिकल एरिया के बेस पर हम डेटा को अरेंज करते हैं वो इस पर्टिकुलर के अंडर आने वाला है ठीक है भाई पंजाब में इतनी रेनफॉल हुई एंड आंध्र प्रदेश में इतनी रेनफॉल हुई ठीक है ये एरिया के बेसिस पर हम बता रहे हैं एरिया के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये क्या हुआ ये हुआ हमारा स्पेशल सीरीज ठीक है फिर आता है कंडीशन सीरीज कुछ स्पेशल कंडीशन डिफाइंड है उन डिफाइंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को क्लासीफाई कर रहे हो तो वो क्या होगा वो होगा हमारा कंडीशन सीरीज ठीक है ये है हमारे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैसे डिवाइड किया जाता है ठीक है फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बेसिस में स्टूडेंट्स मेनली दो टाइप्स होते हैं एक तो होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज और एक क्या होता है एक होता है हमारा फ्रीक्वेंसी सीरीज ठीक है ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होता है उसके ये दोनों पार्ट होते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंडर पढ़ते हैं मतलब कि अगर हम कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर बोलें तो मेनली दो टाइप की सीरीज होंगी हमारी एक होंगी इंडिविजुअल और एक होगी फ्रीक्वेंसी सीरीज ठीक है सो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सीरीज होती है कि भाई यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल वैल्यू है उसकी खुद की अपनी एक सिग्निफिकेंस है ठीक है यहाँ पर एक एक वैल्यू को हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वैल्यू को हम मर्ज नहीं करते ठीक है थीके? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने दो काइंड पढ़े थे दो मेथड्स पढ़े थे जिसके थ्रू इंडिविजुअल सीरीज को हम कंडक्ट करते हैं या जो हमारी डेटा है उसे अरेंज करा जाता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर वो क्या थे एक तो था कि सीरियल नंबर के बेसिस पर ठीक है और एक था अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ठीक है ये दो हमने पढ़े थे मैग्नीट्यूड में हमने क्या देखा था मैग्नीट्यूड का मतलब है भाई असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट तो ये दो टाइप्स थे जिसमें हम बोल रहे थे कि भाई हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज है या हमारा जो डेटा है उसे हम इस पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीरियल नंबर हम सीरियल वाइज चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन टेन ठीक है और सो so ऑन जितना भी है या फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ठीक है ये क्या हुआ ये हुई हमारी इंडिविजुअल सीरीज ठीक फिर आती है स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज ठीक है सो डिस्क्रीट सीरीज क्या है डिस्क्रीट सीरीज में हम क्लासेस नहीं देखते ठीक है यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी हम वो बताते हैं ठीक है मतलब यहाँ पर क्लासेस का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे हम सिंपली बताएंगे कि अगर एक नंबर है टू तो वो टू कितनी बार रिपीट हुआ एक किसी भी डेटा में ठीक है मान लीजिए वो टू रिपीट हुआ है फोर टाइम्स तो ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्म हो जाएगा कि भाई टू एक नम वैल्यू एक वेरिएबल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है फोर है ठीक है तो ये बन गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज ओके एंड कंटिन्यूस सीरीज कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स कंटिन्यूस सीरीज में हम क्लासेस का फॉर्मेशन देखते हैं ठीक है जो कंटिन्यूस सीरीज होती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है ठीक है सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो तो काउंटेबल होते हैं ना वो एक कंप्लीट नंबर होता है तो जब कंप्लीट नंबर होता है तो हमें क्लासेस की जरूरत नहीं है ओके क्लासेस की जरूरत कब है कि भाई कंप्लीट नंबर नहीं है टेन टू फिफ्टीन तो इस 10 टू 15 के बीच में सारे फ्रैक्शंस भी इन्वॉल्व हैं कि 10 टू 15 में कौन कौन से फ्रैक्शंस आ रहे हैं ठीक है तो इसलिए जो हमारा सीरीज है वो क्लासेस के बेसिस पे फॉर्म होता है और जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें क्लासेस फॉर्म नहीं होती ठीक है थीके? ये थे हमारे काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ओके नाउ स्टूडेंट जो कंटिन्यूस सीरीज है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थ्रू समझ सकते हैं राइट या उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो क्या क्या थे ये पर्टिकुलर टाइप्स थे एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता था एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट है वो क्या होगी स्टूडेंट्स वो एक्सक्लूड होती है राइट right? वो कब इंक्लूड होती है जब वो लोअर लिमिट बन जाती है ओके एक्सक्लूसिव सीरीज में हम एक्सक्लूड करते हैं अपर लिमिट को ठीक है फिर इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज में सब कुछ इंक्लूडेड होता है राइट right? इंक्लूसिव सीरीज में हम सारे आइटम्स को उसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में इंक्लूड करते हैं ठीक है जो सॉरी जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है उसमें हम देखते हैं ओवरलैपिंग राइट ये 15 खत्म हुआ और ये 15 से 20 चालू हुआ ये ओवरलैपिंग हम देख सकते हैं ये क्या है ये एक्सक्लूसिव है सीरीज जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज है वो कैसी होगी वो इस पर्टिकुलर वे में होगी टेन टू फिफ्टीन सिक्सटीन टू ट्वेंटी ओके तो यहाँ पर हम ओवरलैपिंग नहीं देख रहे हैं ओके okay? तक चला और और फिर 16 से स्टार्ट हुआ यहां पर गैप गैप है और है अपर लिमिट लिमिट लोअर के बीच में रहता हमारी इंक्लूसिव सीरीज में ठीक है फिर आता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा था कि जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और जो लास्ट क्लास की अपर लिमिट है वो गिवन नहीं होती है राइट यहां पर हम वर्ड्स देखते हैं कि बिलो ओके बिलो फाइव मान लीजिए तो ये क्या हो गई ये हमारी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट गिवन नहीं है ठीक है और हमारी जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट गिवन नहीं है वो हो गई हमारी फिफ्टी एंड अब ठीक है

वो क्लास इंटरवल जिसमें जो हमारे क्लासेस हैं वो कैसी हैं इक्वल है ठीक है और अनइक्वल क्लास इंटरवल में अनइक्वल क्लासेस हैं ठीक है अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या हो गई स्टूडेंट्स अनइक्वल क्लासेस हो गई ठीक है एग्जांपल ले तो इक्वल का क्या हो सकता है टेन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू 20 20 टू 25 राइट right? तो ये सारी जो क्लासेस इसमें हम देख सकते हैं कि भाई इक्वल क्लास इंटरवल्स राइट फाइव 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 की क्लास इंटरवल्स अन एकवल क्लास इंटरवल क्या हो सकता है टू टू फोर फोर टू टेन टेन टू ट्वेंटी राइट यहां पे हम देख रहे हैं कि जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है वो अनईक्वल है तो ये क्या हो गई ये हो गई हमारी अन क्लास इंटरवल ठीक है फिर आता है स्टूडेंट्स मिड वैल्यू सीरीज मिड वैल्यू सीरीज का मतलब क्या कि जो मिडिल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सीरीज राइट जो मिडिल वैल्यू है वो गिवेन है मिडिल वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू राइट इस पर्टिकुलर वे से मिड वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं राइट ये हमारा क्या होता है ये होता है हमारा फॉर्मूला मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने का ओके सो मिड वैल्यू सीरीज क्या होगी वो सीरीज जिसमें मिडिल वैल्यू गिवन होती है ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज ठीक है स्टूडेंट्स मिड वैल्यू हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे उसका एक पार्ट था वैसे ही हमने और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे क्लास क्लास लिमिट राइट क्लास इंटरवल रेंज ये सारी चीजें पढ़ी थी है ना तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं क्लास लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स फटाफट रिमाइंड करना है हमें ओके क्लास लिमिट क्या होती है क्लास लिमिट होती है भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट राइट इसमें हमने देखा था कि क्लास इंटरवल सॉरी क्लास लिमिट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल आई या फिर स्मॉल c से ठीक है जो हमारी अपर लिमिट होती है हम उसे क्या बोलते हैं l2 और जो लोअर लिमिट होती है वो होती है हमारी l1 राइट सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओके ये दोनों हमारी जो क्लास लिमिट है ओके okay? उसे एक्सप्रेस करती है ठीक है फिर रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स रेंज होता है हमारा हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन राइट जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ठीक है ये क्या हो गया हमारा रेंज एंड मिड वैल्यू हमने अभी पढ़ ली कि मिड वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी थे जिसमें कुछ कैलकुलेशन थी इसके अलावा भी थे लेकिन उनमें ऐसी कोई कैलकुलेशन वाली चीज नहीं थी ठीक है फिर आता है स्टूडेंट्स बाय वेरियंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बायोरियंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जिसमें बाय वेरिएबल इट मींस क्या right? जो दो वेरिएबल जो राइट ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है वो तो वो होती है हमारी इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था सारा कुछ क्या था वो सारा कुछ था हमारा यूनिवेरियंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ठीक है अब ये बाय वेरियंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो डेटा है वो टू वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है ओके okay? तो ये ये क्या था स्टूडेंट्स ये था हमारा एक रिकैप राइट हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था बायरियंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर कर भी देखा था है ना कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रॉ होता है कैसे प्रेजेंट किया जाता है बाय वेरियंट टाइप में ठीक है तो इसके साथ में स्टूडेंट्स हमने क्या कंप्लीट किया इसके साथ में हमने जो चैप्टर थ्री है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वो पूरा कंप्लीट कर लिया और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे ठीक है इन केस आप लोगों को डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मैं आपको आंसर कर दूंगी ठीक है कोई इशू नहीं है उसमें नाउ स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर फोर वो कौन सा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ठीक है हमने देख लिया भाई पहले तो कि डेटा का मतलब क्या होता है सबसे स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सबका मतलब समझ लिया ठीक है स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है वो सब पढ़ लिया था फिर हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ लिया फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ठीक है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन से ओके एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं थैंक यू